जा बेटा। अगर मैं रुका, अरे बेटा रुक जा, दर्द होगा। देख तू नहीं रुकेगा तो दर्द होगा ना बेटा, मुझसे चला नहीं जा रहा है बेटा, रुक जा। मैं नहीं आऊंगा, मैं जाकर बहुत सारे चॉकलेट खाऊंगा। ए, मुझे कुछ हो रहा है बेटा। नाटक मत करो पापा, बहुत दर्द हो रहा है। नाटक मत करो पापा, मैं नहीं आऊंगा, बहुत दर्द हो रहा है। पापा मुझे पकड़ो ना पापा। क्या हुआ पापा? मुझे बहुत डर लग रहा है पापा, उठो ना, डर लग रहा है मुझे, उठ जाओ ना पापा। अब से मैं चॉकलेट भी नहीं खाऊंगा पापा, ऐसा मत करो ना, उठो ना, मैं इंजेक्शन लगा लेता हूँ। कादिर, 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 यार, भैया, बाबी, क्या हुआ? भैया हमें छोड़कर चले गए। हे, क्या बोल रहे हो? जल्दी आओ बाबी, ये कुछ हरकत नहीं कर रहे। ये पहले भी ऐसे गिर चुके हैं। क्या हुआ? नवजात बच्चे को शुगर की बीमारी? इसकी फैमिली हिस्ट्री ही ऐसी है, टाइप 1 डायबिटीज के साथ पैदा हुआ है बच्चा। प्रेगनेंसी टाइम में किए जाने वाले डायग्नोसिस में जिन बातों का पता नहीं चल पाता है उनमें से एक है पैंक्रियास। यस। आजकल डायबिटीज के साथ पैदा होने वाले बच्चों की संख्या बढ़ रही है। WHO के डेटा के हिसाब से शुगर की बीमारी इन देशों में ज्यादा है, अमेरिका, चाइना और अपना हिंदुस्तान, इन देशों के बीच में रेस चल रही है। देखिए हेरिडिटरी शुगर की बीमारी तो एक तरह की होती है, लेकिन लाइफस्टाइल, स्ट्रेस, इन सब से भी शुगर की बीमारी हो सकती है। अच्छी जीवन शैली से इस बीमारी को शुरुआत में ही कंट्रोल कर सकते हैं, और नहीं तो गोलियां, इंसुलिन और कोई रास्ता नहीं है। ये सब दवाइयां बहुत महंगी हैं। जो गरीब लोग इंसुलिन नहीं खरीद सकते वो प्रॉब्लम में है। वास्तव में कई लोगों को शुगर की बीमारी है, ये उन्हें पता ही नहीं, ऐसे ही मर जाते हैं। इस बीमारी को पूरी तरह से ठीक कर दे ऐसी कोई दवा नहीं है। शुगर ज्यादा हो गया, पैर काट दिया, चलना नहीं होता है। मम्मी डैडी दोनों को शुगर है। सास की डायलिसिस के लिए हर हफ्ते आना पड़ता है। डायलिसिस कर करके बहुत परेशान है। किस्मत में ही लिखा होगा,
इतने सालों से इनको शुगर की बीमारी है। डॉक्टर ने कहा कि उस बच्चे को भी शुगर है। यहाँ जितने भी बच्चे हैं उनको जुविनाइल डायबिटीज है। लाइफ लॉन्ग मेडिसिन के सहारे ही जीना पड़ेगा। मेरी माँ शुगर की बीमारी नहीं बताई और मर गई। एक किडनी फेल हो गई। मेरी बीवी की आंखें चली। एम्बिशन ही खत्म हो गया। दूसरी किडनी भी खराब हो रही है। ये एक स्वीट सुसाइड है। अपने लोगों की भलाई के लिए मैं यहां आया था, लेकिन भला कैसे करूं यह समझ नहीं आ रहा था। मेरे दोस्त की मौत ने मुझे हिला कर रख दिया। अब यह साफ हो गया कि करना क्या है। शुगर की बीमारी में दवाइयां, गोली, इंसुलिन, डायलिसिस, पूरी जिंदगी इन्हीं के सहारे लोगों को जीना पड़ रहा है। वी हैव टू मैनेज एंड लिव विद डायबिटीज। एक ही दवाई से इस बीमारी का इलाज होगा और वो दवाई मैं बनाऊंगा। अपनी पढ़ाई, नॉलेज, टैलेंट सब का इस्तेमाल करके मैं उस दवाई का इजाद करूंगा। मेरे लोगों के लिए और दुनिया के लिए ये मेरी पहली जिम्मेदारी होगी। वेरी गुड सर्वनंद, इस मिट्टी के लाल हो तुम। तुम्हारे इस खोज की पूरी दुनिया में तारीफ होगी। सर्वनंद, तुम्हारा संकल्प और विश्वास तुम्हें जरूर जिताएगा। शुरू हो जाओ। चार सब्जेक्ट फरार हो गए हैं। Everybody. Hello, sir. Good morning, boss. चार कदम चल नहीं पाएंगे। बोला था कि ये लाश जैसे हैं। 40 किलोमीटर की स्पीड से भाग रहे थे। नहीं नहीं, सिर्फ जान बची है। शरीर के सारे अंग मर चुके हैं। No more useful. तेरी तो शरीर में कुछ बचा नहीं, फिर भी इतनी ताकत। जला देते हैं, जगह भी खाली हो जाएगी। सब्जेक्ट में जान है ना, और जब तक जान है ये हमारे काम आएगी। विले? हाँ बॉस। नोविचोक को जानते हो ना? जानता हूँ। आपकी अजरबैजान वाली गर्लफ्रेंड एकदम बढ़िया, हट्टी कट्टी, रूस की घोड़ी की तरह, वही ना सर? फोर्थ जनरेशन केमिकल वेपन। डॉक्टर चीफ, स्क्रिबाल के बारे में पता है? सर मैं विद्या बालन को जानता हूँ। पता नहीं कैसे डॉक्टर बन गया। तुम जानते हो? नहीं सर। कभी कभी अखबार भी पढ़ा करो, इंटरनेट का फायदा उठाओ। साइनाइड के बाद में आया है लेटेस्ट रशियन पॉइजन। ये कितनी जल्दी मारता है इस बात का हमें पता लगाना है। टेस्ट के लिए आया है, टेस्ट करके रिजल्ट देना है। लेट्स मूव। चलिए। बोलो मुन्ना। वो कोई साधारण आदमी नहीं है विजय। पिटने के बाद भी वापस आ रहा है।
ये बंदा अलग है। शिट। सारा वाला बॉम्ब बड़ा फास है, ये पीस है, पंची एक मारा तो फिर ब्लास्ट। नमस्कार, आज अपने बेस्ट स्टूडेंट का परिचय कराने में मुझे बहुत गर्व हो रहा है। डॉक्टर सर्वनन, उन्होंने इंडिया में तमिलनाडु के एक छोटे से गांव में पढ़ाई करके चेन्नई आईआईटी से टॉपर का खिताब जीतने के बाद इजराइल के टेल अवीव यूनिवर्सिटी से डॉक्टर की डिग्री हासिल करके नाम कमाया है। पढ़ने के समय ही रिसर्च करके उन्होंने अपने सब्जेक्ट माइक्रोबायोलॉजी में डीएनए मॉडिफिकेशन पर 18 पेपर्स सबमिट किए हैं। उनकी खोज एंटीबायोटिक रिक्वायरमेंट टेस्ट की पूरी दुनिया में तारीफ हो रही है। करोड़ों लोगों को इससे फायदा हुआ है। एज ए टीचर एंड गाइड आई एम वेरी प्राउड टू इंट्रोड्यूस डॉक्टर सर्वनन। Congratulations. Thank you. Congrats. Thanks a lot. मेरे प्यारे देशवासियों और मेरे भाइयों और बहनों, आप सभी को मेरा नमस्कार। जो बीत गया वो इतिहास है, जिसे हम खोज रहे हैं वो विज्ञान है। एक इंसान के लिए कोई चीज नामुमकिन नहीं है। भगवान ने ऐसी शक्ति हम सभी लोगों को दी है और हमारा लक्ष्य है उन रास्तों पर आगे बढ़ना, और ये बेहद जरूरी है। मैं अब तक अपनी पढ़ाई और रिसर्च में ही खोया था, लेकिन आज से मैं अपनी जिंदगी अपने लोगों के लिए जीऊंगा। उनके साथ रहके, उनकी जरूरतों को पूरा करके उनके साथ जीना ही मेरा मकसद है। मेरे जैसे साइंटिस्ट दुनिया में और बने, यही मेरा सपना है। डीएनए रिसर्च अपनी मानव जाति के लिए एक बहुत बड़ा वरदान है, और इसकी शुरुआत मेरे गांव से ही होगी। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आप लोगों का आशीर्वाद मेरे लिए बहुत जरूरी है। थैंक यू। साइंटिस्ट सर्वनन, अपने फेयरवेल पार्टी में आएंगे क्या? अपने सर्वनन का रिसर्च अलग लेवल पर है। फ्रेंड्स के साथ गाना बजाना और नाचना भी अलग लेवल पर। सुनो सुनो मेरे गांव वासियों, माताएं और बहनों सुनो, अरुणाचलम जी के छोटे बेटे सर्वनन हमारे गांव पधार रहे हैं। दुनिया के मशहूर वैज्ञानिक, इस गांव के लोगों के दिलों में बसने वाले अपने प्रिय बेटे सर्वनन का तहे दिल से स्वागत कीजिए। नमस्ते। 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 वेलकम सर, आई एम पलिनी कुमार। थैंक यू सर, आई एम द कॉलेज प्रिंसिपल। भाभी आओ। सर्वनन। पापा माँ आशीर्वाद दीजिए। जीते रहो बेटा, ऐसे ही और भी तरक्की करते रहो। जरूर करूंगा पापा। माँ 100 साल तरक्की करो और खुश रहो बेटा। थैंक यू माँ। छोटू भैया, दुनिया के हर कोने से तुम्हारे लिए ऑफर आया, लेकिन अपने गांव में सेवा करने के लिए जो तू आया है ना, आई एम सो प्राउड ऑफ। थैंक यू भैया। थैंक यू दादी। सर्वनन जीते रहो बेटा, मैं अच्छी हूँ। सर्वनन इनसे मिलो। हाय बच्चा। थैंक यू सर। सर वन सेकेंड, दुनिया के सबसे बड़े साइंटिस्ट हैं आप, इस छोटे से गांव में आकर क्या करेंगे? मेरी पढ़ाई, मेरा नॉलेज इस देश के लोगों के लिए इस्तेमाल हो, यही मेरी इच्छा है, और इसीलिए मैं अपने गाँव लौट आया हूँ। बेटा तुम इतने मशहूर हो, अकेले ही आ गए क्या? अरे एक साइड में करीना और दूसरी साइड में आलिया, उनको भी साथ लेकर आने का था ना। बेटा विदेश से आए हो तो एक छोकरी लेकर आना चाहिए था ना। क्या करूं दादा, मैं तो अपनी पढ़ाई में ध्यान दे रहा था, प्यार करने के लिए मुझे समय ही नहीं मिला। अगर मौका मिल गया तो प्यार भी करके देख लेंगे। क्या बात है, बहुत
शादी करोगे तो यहाँ की लड़की से करोगे या बाहर की लड़की से सर? शादी करूंगा तो अपनी ही गांव की लड़की से करूंगा। अरे आप लोग ही मेरे लिए लड़की पसंद कीजिए ना। We are all going to be happy. मैं आ गया हूँ। Yeah! सर्वनंद। आगे आइए। ए सर्वनंद, जैसे ही मुझे पता चला तुम वापस आ गए, मैंने डिसाइड कर लिया, अब से मेरा तन मन धन मेरी हॉबी बाइक की चाबी सब तेरे लिए है। टेक इट ब्रदर। वैसे तंगम, चल क्या रहा है, वही पुराना कामकाज? हाँ भाई, थोड़ा बिजी चल रहा हूँ। क्या है पुराना कामकाज? अरे वही दादी, बिजी डूइंग नथिंग। अरे श्रवणन, वो देख बीच सड़क पे क्रांतिकारी मोर्चा लेके जा रही है। ए बतख! क्या बोला? बतख? और नहीं तो क्या, लेके जा इनको, हटा यहाँ से। ए सुन, तू बतख, तेरी गाड़ी बतख, तेरी गाड़ी के अंदर जो बैठा है वो बतख। किसको बोला रे बतख? ओके, कोई बात नहीं, अगर आप रास्ता खाली कर देंगे तो अच्छा रहेगा। हटा। ए कौन है लोग, पार्टी देखने तो झकास लग रही है। चल इनको जरा सिखाते हैं। हेलो, झकास पार्टी, बतख चल कर जाती है, कबूतर की तरह उड़ कर नहीं जाती। मेरी माँ, तेरे बतख चल के कहाँ जा रहे हैं, वो तो स्लो मोशन में मोर्चा निकाल रहे हैं। ये रोड तेरे बाप का रोड है क्या? ये जमीन बतख, बकरी, गाय, मुर्गी, सब जानवरों और पक्षियों के लिए भी है। ये बात तो रजी सनी 2.0 में भी बोला है। ट्रिंग ट्रिंग, कान फट रहा है, क्या बकवास रिंगटोन है, तेरे बाप का फोन है, उठा। हेलो, ऑन द वे हूँ पापा, यहाँ तो बेवकूफ मिल गए हैं, बस आ रही हूँ। ए लटक पटक, बेवकूफ बोल रही है, साहब कौन है जानती है? अरे ठीक है यार, लड़कियों के साथ ज्यादा पंगा नहीं लेना चाहिए, इनसे बस अपने काम से काम रखो। इतना गुस्सा मत करो, तुम बात बिल्कुल सही कह रही हो, लेकिन थोड़ा सा प्यार से बोलो, हम लोग जरा जल्दी में, अगर रास्ता दे दोगी तो अच्छा रहेगा। ठीक है, देती हूँ रास्ता। सुनो, तुमने खुद को देखा है, एकदम मोबाइल चोर जैसे दिख रहे हो। सर आप तो दिखने में डिसेंट लगते हो, आप इसके साथ क्यों घूम रहे हो? ओके, गलती हो गई। आप भी ना सर। सॉरी सर्वनन, थोक के भाव में इज्जती हो गई यार। वो हमारे कपड़े फाड़ कर चली गई और तू हंस रहा है? हंसते हंसते बेइज्जत होना तेरी पॉलिसी है क्या? इंटरेस्टिंग गर्ल। हाँ पता है, ब्रिटिश लोगों ने कॉलेज खोलने के लिए धनवान लोगों से मदद मांगी थी। सबसे पहले तुम्हारे दादाजी ने 65 एकड़ जमीन दान में दी थी, बिल्डिंग बनाई, कॉलेज शुरू किया। ब्रिटिश जब गए तो उन्होंने कॉलेज उनके हवाले कर दिया, सभी लोगों को ज्ञान मिले, ये तुम्हारे दादाजी का सपना था। उस समय लोगों को उनके खानदानी पेशे में रखने के लिए बहुत पॉलिटिक्स हो रही थी, लेकिन दादाजी पढ़ाई के पक्ष में थे। A great man with a big vision. NIRF ranking में इस साल भी हमारे कॉलेज को पहला स्थान मिला है। मुखिया जी, प्रिंसिपल साहब, आज के जमाने में जहां लोगों ने कॉलेज खोल के पढ़ाई को धंधा बना लिया है, वहीं आप लोगों को मुफ्त शिक्षा दे रहे हैं, ये बड़ी बात है। बेटा, इस परंपरा को तुम्हें ही आगे बढ़ाना है। बिल्कुल करूँगा। दादाजी के समय में सिर्फ पढ़ाई होती थी, लेकिन अभी पढ़ाई में गंभीरता और नॉलेज में डेप्थ होनी चाहिए, ये बेहद जरूरी है, तभी इस कॉम्पिटिटिव दुनिया में सर्वाइव कर पाओगे। ऐसे मॉडर्न और एजुकेटेड बच्चों को तैयार करना ही मेरा मकसद है। भाई, भाई, आपने मुझे पहचाना? हेलो, ये दिन में 100 लोगों से मिलते हैं, तुम्हें पहचान ले, इनके दिमाग में सीसीटीवी कैमरा लगा है। अरे भाई अपना परिचय दे दो ना। भाई तू तिरुपति है ना, हम स्कूल में साथ में पढ़ते थे। मुझे लगा तुम भूल गए होगे, पर तुम्हें तो मैं याद हूँ।
तुम बहुत बदल गए हो लेकिन स्टाइलिश लग रहे हो। तुम्हें एक बार मैं गले लगा सकता हूँ क्या? इंटरनेशनल लीडर की डिमांड है, एक बार गले लगा। थैंक यू सरवनन, थैंक यू। अरे सॉरी सॉरी, तुम्हारे कपड़ों में मिट्टी लग गई, सॉरी। अरे मिट्टी है, कोई बात नहीं, लेकिन तू यहाँ क्या कर रहा है? अब मैं तुम्हें क्या बताऊँ, पढ़ाई में मेरा मन ही नहीं लगा। तुम तो मेरे जैसे हो। तुम्हारे पिताजी ने मुझे नौकरी पे रख लिया। यहाँ पे जितने भी पेड़ देख रहे हो ना, सारे के सारे मैंने लगाए हैं। इस कॉलेज की नर्सरी में जो कोई भी आता है ना, मैं उसे एक पौधा मुफ्त में देता हूँ। मेरा बस एक ही सपना है कि मैं यहाँ पर 1,00,000 पेड़ लगाऊं। फैंटास्टिक थिंग। तुझे पता है तू कितना बढ़िया काम कर रहा है? इस बात पर एक बार और गले लग जा, आजा। थैंक यू सरवनन। तंगो, ये हमारी बत्तख वाली तो बहुत ही टैलेंटेड लग रही है। दीदी ये क्या है? मादा है। बढ़िया है ना? तंगो, ये सब देखकर तुझे क्या लग रहा है? पहले ये बता, तुझे क्या लग रहा है? सारे जीवों से प्रेम करो, यीशु ने कहा था, बस वही बात मुझे याद आ गई। ओह ऐसी बात है क्या? और तुझे क्या लग रहा है? मुझे? मैं बोलूंगा तो बुरा लग जाएगा। अरे जो भी है बिंदास बोलना। बस 6 महीने बाद मैं मस्त बिरयानी। हे भगवान, इस नादान को माफ कर देना। सरवनन, आई एम रेडी। ये क्या है, रूम के अंदर हवा ठूस रहे हो क्या? अरे हवा नहीं ठूस रहा हूं, दिस इज ताइची। सुरमई मच्छी सुना है, ये ताइची कोई चाइनीज मच्छी है क्या? दिस इज फॉर आवर सेल्फ डिफेंस। इससे हम अपने आप को भी बचा सकते हैं और दूसरों को भी बचा सकते हैं। तंगम, इसे तो मैं ऐसे ही उड़ा दूंगा। ये तो बहुत कुछ जानता है यार। अरे रुक जा बेटा। नहीं रुकूंगा। रुक जा बेटा। रुकूंगा तो दर्द होगा। अगर नहीं रुका तो भी दर्द होगा। आप रोज यही बोलते हैं। मेरे को चक्कर आ जाएगा, रुक जा बेटा। नहीं डैडी, दर्द होगा। अरे बिना दर्द के लगाऊंगा, मेरी बात तो सुन। नहीं मुझे दर्द होता है। अरे दर्द नहीं होगा। अरे डैडी मेरा सर घूम रहा है। मैं वादा करता हूँ दर्द नहीं होगा। अरे रुक जा। अरे क्या हुआ, क्यों बच्चे को भगा रहा है? एक छोटे बच्चे को एक बड़ा बच्चा दौड़ा रहा है। जल्दी जाओ, पंचायत को बुलाओ, सभी गांव वाले पीपल के पेड़ के नीचे आओ। कम विथ लट, कम विथ लोटा। अरे तुम चुप करो। सरवनन पता ही क्या करता है, रोज दुकान में जाकर 1 नहीं 2 नहीं पूरी 5 चॉकलेट खाता है। हाँ तो बच्चा है तो चॉकलेट तो खाएगा ही ना। सुपर अंकल, ये हुई ना बात। चुप कर शैतान कहीं का, तुम्हें पता नहीं है इसकी सच्चाई, ये चॉकलेट खाएगा तो मर जाएगा। ये क्या बोल रहे हो? इसका बचपन से ही शुगर बहुत हाई है, 200 के ऊपर है, रोज इंसुलिन का एक इंजेक्शन लगाना पड़ता है। जुवेनाइल डायबिटीज। अरे सुनो, बाहर आओ, देखो कौन आया है। अरे आप आइए आइए। आपसे बोला था 2 कुर्सी लाने के लिए। अरे ठीक है, ये तो मेरे दोस्त का घर है, हम लोग बचपन में यहाँ खेला करते थे। जब स्कूल में थे तब इसकी रोटी मैं खा जाता था और मेरा टिफिन ये खा जाता था। एक अशोक कुमार है, एक दिलीप कुमार है, ये दोनों ट्रेजेडी किंग हैं। खामखा इमोशनल हो रहे हैं। खा खा के मेरा पेट निकला है। अरे अब तो ठीक है, हमारी शादी में तो और मोटे थे। स्टेज पर जगह ही नहीं थी इसलिए मैं नीचे खड़ी थी। ये तो इंसुलिन का इंजेक्शन लेने से वजन कम हो गया है। अच्छा आप क्या लेंगे, चाय कॉफी कुछ लेकर आऊं? बस केवल पानी लेके आइए। ठीक है, आप क्या लेंगे भाई साहब? वैसे तो मुझे कुछ और पीना पसंद है, पर अभी आप पानी ले आइए। इंसुलिन इंजेक्शन तो मैं खुद लगा लेती हूँ अंकल, पर ये तो रोता रहता है और भागता रहता है। मैं तो कुएं में कूद के तैरता हूँ, ये तो पानी देख के ही डर जाती है। ए बेवकूफ कहीं का, चुप हो जा। मुझे शुगर है, इनको भी शुगर है। हमारे बुजुर्ग लोग जायदाद की जगह पर ये शुगर की बीमारी देकर गए हैं। शायद यही हमारा नसीब है। और इन दोनों बच्चों को तो जन्म से ही शुगर की बीमारी है। बेटा संभाल के। सरवनन वैसे तो ये बीमारी 40-50 के बाद ही होती है ना, पर आजकल बच्चों को भी हो रही है। डायबिटीज कई प्रकार की होती है। टाइप ए में इंसुलिन का सेक्रेशन बिल्कुल नहीं होता है। टाइप बी में इंसुलिन का सेक्रेशन दिन ब दिन कम होता जाता है। उस कमी के लिए ही लोग इंसुलिन का इंजेक्शन लेते हैं। जुविनाइल डायबिटीज में जन्म से ही पैनक्रियाज में इंसुलिन का सेक्रेशन बिल्कुल नहीं होता। भैया भैया, गरीबों के अन्नदाता, गांव के रक्षक, अभी तो हम आपकी तारीफ कर रहे थे और आप आ गए। ओ डॉक्टर बाबू। सरवनन वो सनी लियोनी तुम्हें बुला रही है। अरे तुझे नहीं, डॉक्टर बाबू को बुला रही हूँ। तुम्हारे एक इंजेक्शन से मेरा बुखार एकदम गायब हो गया। अबे ये सब क्या चल रहा है यहाँ?
साहब, मैं एक साधारण सा मूर्ख कंपाउंडर आदमी हूँ। मूर्ख? और डॉक्टर साहब जो भी मुझे पगार देते हैं उसे भिखारी की तरह मैं ले लेता हूँ। भिखारी है? सी मिसअंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट नहीं समझी। इस वजह से मुझे नौकरी से मत निकाल दीजिएगा। निकाल दीजिए। हम लोग रेनोवेशन का काम शुरू कर चुके हैं। Our students are excited to take your guidance. ओह प्रिंसिपल, क्या हुआ? कायल प्रिंसिपल आ गए। उठ, ये रो क्यों रही है? कायल उठ। सर वहां देखिए। होला, बॉयज, फ्यू मोर लाइंस विल मेक दिस ड्रॉइंग वेरी ब्यूटिफुल एंड रिस्पेक्टेबल ऑल्सो। ब्रो, सर तो उसके आगे ड्रॉ करने लग गए। ओला, डियर फ्रेंड्स, कॉलेज के दिन बहुत ही मजेदार होते हैं। इसमें बहुत सा फन, जॉय, हैप्पीनेस सब कुछ होता है। जितना खुश रहना चाहते हो रह सकते हो, कुछ गलत नहीं है। लेकिन आपकी खुशी किसी के दुख का कारण ना बने, दैट इज इंपॉर्टेंट फॉर आवर लाइफ। इस बात को यहां पर रखना है। ऑल द बेस्ट गाइज, थैंक यू। अरे बतख? हाँ बतख, वो भी एमएससी एमफिल बतख। और ये क्लास मेरी है। आई एम अ लेक्चरर हियर। ओह, आई एम सॉरी। एंड यू आर ब्रिलियंट। थैंक यू। पता है, जब चूजे बीमार हो जाते हैं तो उसकी माँ ही उसे मार देती है। कुछ भी फेंकता देता है। और तू फेकू की बहन, क्या रोज रोज इंजेक्शन लगा के दिमाग खराब कर रहे हैं? हमें पैदा होते ही मार डालते तो हमें इंजेक्शन नहीं लगाना। पापा, हमारे जन्म के समय आपको पता था ना कि हमें शुगर है, तभी मार डालना। सॉरी डॉक्टर, जुवेनाइल डायबिटीज कोई बड़ी बात नहीं है, बस टाइम पर दवा खाते रहना, समझ गए? अपने पापा को देखो, ब्रेव मैन, लाइफ में कोई कंप्लेंट ही नहीं है, ऑलवेज चीयरफुल है। आप दुनिया के पहले डॉक्टर हो जो पेशेंट को चीयर्स बोलते हो। अरे चीयर्स नहीं, चीयरफुल। स्मार्ट बॉय। तिरुपति, ये छोटी गोली आपके लिए और ये बच्चों के लिए, ओके? डॉक्टर, देवी को उसका बच्चा गोरा चाहिए। बच्चा पैदा होते ही पेंट मार देंगे। मुझे भी पेंट कर दीजिए, अच्छा रहेगा। आप भी ना, प्रार्थना करो कि इस बच्चे को शुगर की बीमारी ना हो। अरे टेंशन मत लो, सब ठीक होगा। हाय हाय। हमारे मेडिकल फील्ड में सिर दर्द की दवाई ढूंढने वाले अपने आप को सरताज समझते हैं, लेकिन ये एंटीबायोटिक की दुनिया में एक क्रांति कर चुके हैं। फिर भी देखिए कितने सिंपल है। हमें अभी और भी बहुत सारे काम करने हैं। सरवनन, मिस्टर वीजे, यू नो ओजो लेबोरेटरीज एशियन फार्मास्यूटिकल्स में बहुत बड़ा नाम है। ही इज द ब्रेन। आज अगर एशिया में इंसुलिन की सप्लाई स्मूथ है तो इनकी वजह से। अरे इन्हें तो पूरी दुनिया जानती है। अरे वाह, नहा धो के एकदम फिट है। ए, ये क्या है? क्या है ये? ठीक से बाल नहीं बना सकती है? थोपड़ा देख। ओहो, जो मेहमान आ रहा है वो मेरे बचपन का दोस्त है। उसके साथ फॉरेन से पढ़ाई करके उसका लड़का भी आ रहा है। तुम लोग उसके सामने स्मार्ट दिखने चाहिए। लो आगे बोलो, आइए आइए आइए, स्वागत है। अरे वाह, आओ बेटा। नमस्ते। अरे ये तो वही जकास पार्टी। चौंक गए? ये मेरी बेटी है। इसलिए तो चौंक गया। आपके कॉलेज में लेक्चरर है। सर को पता है पापा? हाँ, हम दोनों को पता है। बतख को उड़ते देखकर, बकरी से अंडा निकालकर, साइंटिस्ट को दाना डालते देखकर। ए, सुबह सुबह नशा करके आया है, चल बाहर जा। आप मुझे बाहर जाने के लिए बोल रहे हैं? बाहर जा, बोला ना जा।
आपने क्या कहा था? बाहर जाने के लिए कहा था। मैं भी तो इसी इंतजार में था। आजकल आजकल बोल के आज आए हो तुम मेरे घर पे, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। क्या करूं यार, सर्वनंद बिजी है। हाँ। इसी बीच में दिल्ली से सेंट्रल मिनिस्टर का इनविटेशन आ गया। बेटा, मिनिस्टर को आपने क्या जवाब दिया? डॉक्टर सर्वनंद सर, तुम ऑल इंडिया मेडिकल रिसर्च फाउंडेशन को हेड करो, ये बात मेरे मन में बहुत दिनों से चल रही है। इट्स अ ग्रेट ऑनर सर, लेकिन मैं अपने लोगों के बीच में जाकर उन लोगों की भलाई के लिए काम करना चाहता हूं सर। वी विल ऑलवेज सपोर्ट यू इन व्हाटएवर यू डिसाइड। थैंक यू सर। पोस्ट अच्छी थी, इज्जत थी, आप ले सकते थे। मुझे पोस्ट से मतलब नहीं है, मेरे लिए लोग ही इंपॉर्टेंट हैं। मेरे काम से लोगों की जिंदगी बेहतर बन जाए, बस यही मेरी इच्छा है। hey, हम दोनों मिलके कुछ करें क्या? क्या करें? तू कपड़ा डाल, मैं क्लिप लगाता हूँ। तू कपड़ा फोल्ड कर, मैं प्रेस करता हूँ। आप बहुत मजाकिया हैं। देखने में मैं कॉमेडियन जरूर लगता हूँ, लेकिन असलियत में मैं एक रईस आदमी हूँ। देखो, ये क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, इंटरनेशनल वीजा कार्ड, एक मिनट, एक फोन है। हेलो सर, मैं IBIBI बैंक से बोल रहा हूँ। आपने हाल ही में डेबिट कार्ड लिया है ना? Yes. उसके ऊपर 16 डिजिट का एक नंबर लिखा होगा, एक एक करके वो सारे नंबर आप मुझे बता दीजिए। ओहो, एक मिनट लाइन पे रुकिए। मैं बैंक मैनेजर को अच्छे से जानता हूँ, आपकी बोली और आवाज उनके जैसी नहीं लग रही है। अरे कैसे आपको मेरी आवाज और बोली बैंक मैनेजर जैसी नहीं लग रही है? नाच ना जाने आंगन टेढ़ा। वाह 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 वाह, क्या बात है सर, एक और मुहावरा बोलिए ना। उसके लिए टाइम नहीं है सर, 2 मिनट में नंबर बोलिए वरना आपका कार्ड ब्लॉक कर दिया जाएगा। ठीक है सर, ठीक है, बताता हूँ, एक मिनट रुकिए सर। 6081 2001 0767 7047 एक OTP आया है, वो भी बता दीजिए। बता दीजिए। OTP है 4455। हो गया जी। हो गया जी, लाइन भी कट गई। मैसेज आया, मेरा कार्ड रिन्यूअल हो गया है। चलो मैसेज देखते हैं। मेरे अकाउंट से किसी ने 1.5 लाख रुपए निकाल लिए। अरे बाप रे, मेरे 10 साल की मेहनत के पैसे को कोई 1 सेकंड में निकाल लिया, मैं बर्बाद हो गया। अरे सर्वनंद, देखना मेरे भाई, ये क्या हो रहा है? टीवी, पेपर, रेडियो, इस पर बार बार समझाया जा रहा है कि अपने बैंक डिटेल्स और OTP नंबर किसी से भी शेयर मत कीजिए। उसके बाद भी ऐसी बेवकूफी करके अपना नुकसान कर बैठे। हे भगवान, मैं तो बच गई। ए, आ जाओ, सबको बाहर निकालो। ए, चलो। अरे सबको जड़ से उखाड़ कर साफ कर दो, कॉलेज गया तेल लेने। अरे अरे रुको रुको, अरे क्या कर रहे हो? अरे भाई भाई भाई, ये पेड़ मुझे जान से भी ज्यादा प्यारे हैं भाई, ये हमारा कॉलेज है। जगह पे हेलीपैड बनने वाला है, सेंट्रल मिनिस्टर पड़ पड़ करके हेलीकॉप्टर से लैंडिंग करने वाले हैं। सिक्योरिटी, सिक्योरिटी, सिक्योरिटी गया तेल लेने। जब तक मैं हूँ, मैं एक भी पौधे को हाथ नहीं लगाने दूंगा। पौधे को छूना मत। देखो पौधे को हाथ मत लगाना। भाई से जबान लड़ाएगा? तुम लोग शैतान हो। एक मालिक को इतना घमंड? सब क्या हो गया? क्या हुआ? ए, तिरुपति, तुझे क्या हुआ? कुछ गुंडे आए थे, मुझे मार रहे थे, सर्वनंद ने सबको भगा दिया। सर्वनंद ने मार के भगा दिया? वाह वाह, मेरा सर्वनंद जब रिसर्च करता है तो CV रमन, और जब फाइटिंग करता है तो एंटर द ड्रैगन। मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं हूँ, तुम्हारे पार्टी के लीडर की इज्जत भी करता हूँ,
लेकिन एक हेलीपैड बनाने के कायदे कानून होते हैं। उसके आसपास हॉस्पिटल्स, कॉलेजेस, स्कूल्स, वाटर टैंक्स, ट्रांसफार्मर्स कुछ भी नहीं होना चाहिए। हमारे गांव में खुली जगह बहुत है, तुम वहां पर चले जाओ। ये कॉलेज है, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई होगी। ये मैं जानता हूँ, तू जानता है, हेलीकॉप्टर तो नहीं जानता नो। यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, क्या हम जरा अकेले में जाकर बात करें? दर्द बर्दाश्त कर सकते हो? सनी देवल को टक्कर दे चुका हूँ, मेरी बॉडी देखो बहुत कड़क है। अरे आप पहले ही बोल देते तो मैं चला जाता। इनके लिए तो कॉलेज ही सब कुछ है, उसी की वजह से पैर टूटा है। आप लोग ही समझाइए, मेरी तो सुनते ही नहीं। ए, चुप करो। वो सिर्फ कॉलेज नहीं है, वो एक मंदिर है और उस मंदिर का मैं एक माली हूँ। ये लोग गांव की भलाई के लिए काम कर रहे हैं, मैं इनके लिए अपनी जान भी दे सकता हूँ। डरने की बात नहीं है, तुम ठीक हो जाओगे, अपना ख्याल रखना। ठीक है। ए डार्लिंग, मारो इसे, खूब मारो। इन जैसे जानवरों को तो हमें मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए। तूने मुझे मारा, तुझे देख लूंगा। ला चलो रे। कौन है ये लोग, हमारे कंपाउंड में जीप लेकर आ गए? कॉलेज के बच्चे हैं पापा। कॉलेज के बच्चे, ये तो एकदम लफंगे लग रहे हैं। आप उन पर ध्यान मत दीजिए। ये लोग इधर ही क्यों चक्कर काट रहे हैं? तुलसी, यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। कुछ नहीं है पापा, आप अंदर चलिए ना। बेटा मैं क्या, कौन हो तुम? क्या चाहिए तुम्हें जल्दी कह के? चला दो घर को। अरे अरे ये, अरे क्या कर रहे हो? अरे नहीं, अरे रुक जाओ, अरे हाथ छोड़ता हूँ तुम्हारे। मत करो ऐसा, मत करो। हे छोड़ो, छोड़ो मेरी बेटी को। तुलसी हेलो बेटा, ऐसा मत करो, उसे छोड़ दो। अगर तू हमारे बीच में आया तो मरेगा, फुट ले। Thank you.
कौन है ये? मेरी बहन। कौन है ये? सर। कौन है ये? मेरी माँ। और कौन है? काली माँ सर। सही बोला। माता पिता गुरु देवता होते हैं और तुम लोग उसी गुरु के साथ ऐसा करते हो। श्री आइए भाई साहब, आओ बेटी आओ। क्या हुआ? हा? वो लोग स्टूडेंट थे, राउडी के साथ मिलकर राउडी बन गए हैं, इसीलिए मैंने उन लोगों को कॉलेज से डिसमिस कर दिया। नहीं पापा, मैं स्टूडेंट्स के लिए कुछ करना चाहता हूँ। इट्स अनफॉर्चुनेट कि खुद मेरे हाथों से उन्हें हंटर खाने की नौबत आ गई। आपकी संगत अच्छी हो तो सोच भी अच्छी होती है। उनकी गलत संगत ऐसी सोच की सबसे बड़ी वजह है। डिसमिस करना बहुत बड़ी सजा होती है। मैं उन्हें ऑलरेडी सजा दे चुका हूं, उन्हें माफ कर देते हैं और सुधरने का एक मौका दे देते हैं। यह मेरी राय है। मां, इनका घर चल गया और सब कुछ बर्बाद हो गया, इसलिए आज से इनकी सारी जिम्मेदारी हमारी है। ये भी कोई बोलने वाली बात है? मैं ख्याल रखूं। Don't go to college today, stay here. क्यों? क्योंकि तुम्हारे स्कूटर का फ्रंट टायर पंचर। ओह नो। सर्वनन, तू कॉलेज जा रहा है ना, तुलसी को भी साथ ले जा। हाँ ठीक है दादी। काम हो गया, हेलमेट दो, पकड़ो इसे, थैला का ये रहा, पकड़ो इसे, जाओ। अपनी बकबक बंद रखना और इन दोनों की सेटिंग करवाना, वरना ये मुंह में घुसा दूंगी। और हाँ, फेस टाइम में लाइव आना चाहिए। चिंता मत करो, गाड़ी थर्ड गियर टच होने से पहले इन दोनों की टचिंग हो जाएगी। थैंक्स अंकल। कंगन, उन दोनों को छेड़ो। एक मिनट। भाई श्रवणन, जुबान पे ताला लगाए क्या? बात क्यों नहीं कर रहा है? बात कर ना। तुम मैथ्स की लेक्चरर हो ना? यस। ए भाई, तेरे मन में कुछ सवाल थे ना, या सब कुछ भूल गया? पूछ लेना। What is trigonometry? Oh, it's an interesting question. Trigonometry is a branch of mathematics that is the relationship between the sideline and the angle of a triangle, such as sine theta, cos theta, and tan theta. सब सत्यानाश की था। कौन? गाड़ी में कुछ और मैटर होने वाला था, यहाँ तो मैथ्स हो रहा है। मैटर? या You mean matter? Yeah, 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 yeah. Matter is yeah, yeah. Nothing but energy that is. सर्वनन, तुलसी को मंदिर के अंदर लेकर जाओ। ठीक है माँ। भाई साहब आ रहे, शादी की बात चलाते हैं। ए बालिया, सर्वनन के लिए तुलसी का हाथ दोगे क्या? मेरे भाई, ये कपड़े, खाना पीना सब तुम्हारी ही देन है, मेरे हाथ खाली हैं। ऐसे वक्त में लड़की का हाथ मांगकर मुझे शर्मिंदा कर रहे हो। अंकल, ये सब क्या बोल रहे हैं, हम सब एक ही हैं। चाचा, बराबर हम तो भगवान के घर में हैं, यहाँ पर सब एक समान हैं। लेकिन मेरी किस्मत देखो, मैं कंगाल हो गया हूँ। भाई साहब, कावेरी नदी में बाढ़ आए या फिर वो सूख भी जाए, कावेरी कावेरी ही रहती है, उसकी महिमा कम नहीं होती है। आप तो अच्छे खानदान के हैं, आपको किस बात की कमी है? भगवान जी, मैं शादी करूंगी तो इस बुद्धू साइंटिस्ट से ही करूंगी। हमारी शादी जल्दी करवा दीजिए ना, प्लीज। तेरी बेटी बेशकीमती हीरा है मेरे दोस्त, तुम्हारी बेटी हमारे घर की बहू बनेगी, ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। परिमला। हाँ सर। ये अपनी गांव की लड़की है, कैसी है? जोड़ी एकदम मस्त है सर। अरे रुक जा बेटा। अगर मैं रुका? अरे बेटा रुक जा, दर्द होगा। देख, तू नहीं रुकेगा तो दर्द होगा ना। बेटा मुझसे चला नहीं जा रहा है, बेटा रुक जा। मैं नहीं आऊंगा, मैं जाकर बहुत सारे चॉकलेट खाऊंगा। नहीं, मुझे कुछ हो रहा है बेटा। नाटक मत करो पापा। बहुत दर्द हो रहा है। नाटक मत करो पापा, मैं नहीं आऊंगा। बहुत दर्द हो रहा पापा, मुझे पकड़ो ना पापा। क्या हुआ पापा? मुझे बहुत डर लग रहा है पापा, उठो ना, डर लग रहा है मुझे। उठ जाओ ना पापा, अब से मैं चॉकलेट भी नहीं खाऊंगा पापा, ऐसा मत करो ना, उठो ना। मैं
इंजेक्शन लगा लेता हूँ। कादिर, कादिर, ए कादिर, यहाँ, भैया, बाबी, क्या हुआ? भैया हमें छोड़कर चले गए। हे, क्या बोल रहे हो? जल्दी आओ बाबी, ये कुछ हरकत नहीं कर रहे। ये पहले भी ऐसे गिर चुके हैं। क्या हुआ? नवजात बच्चे को शुगर की बीमारी? इसकी फैमिली हिस्ट्री ही ऐसी है। टाइप 1 डायबिटीज के साथ पैदा हुआ है बच्चा। प्रेगनेंसी टाइम में किए जाने वाले डायग्नोसिस में जिन बातों का पता नहीं चल पाता है उनमें से एक है पैंक्रियस। यस। आजकल डायबिटीज के साथ पैदा होने वाले बच्चों की संख्या बढ़ रही है। WHO के डेटा के हिसाब से शुगर की बीमारी इन देशों में ज्यादा है। अमेरिका, चाइना और अपना हिंदुस्तान, इन देशों के बीच में रेस चल रही है। देखिए, हेरिडिटरी शुगर की बीमारी तो एक तरह की होती है, लेकिन लाइफस्टाइल, स्ट्रेस, इन सब से भी शुगर की बीमारी हो सकती है। अच्छी जीवन शैली से इस बीमारी को शुरुआत में ही कंट्रोल कर सकते हैं, और नहीं तो गोलियां, इंसुलिन और कोई रास्ता नहीं है। ये सब दवाइयां बहुत महंगी हैं। जो गरीब लोग इंसुलिन नहीं खरीद सकते वो प्रॉब्लम में है। वास्तव में कई लोगों को शुगर की बीमारी है, ये उन्हें पता ही नहीं, ऐसे ही मर जाते हैं। इस बीमारी को पूरी तरह से ठीक कर दे ऐसी कोई दवा नहीं है। शुगर ज्यादा हो गया, पैर काट दिया। चलना नहीं होता है। मम्मी डैडी दोनों को शुगर है। सास की डायलिसिस के लिए हर हफ्ते आना पड़ता है। डायलिसिस कर करके बहुत परेशान है। किस्मत में ही लिखा होगा, इतने सालों से इनको शुगर की बीमारी है। डॉक्टर ने कहा कि उस बच्चे को भी शुगर है। यहाँ जितने भी बच्चे हैं उनको जुविनाइल डायबिटीज है। लाइफ लॉन्ग मेडिसिन के सहारे ही जीना पड़ेगा। मेरी माँ शुगर की बीमारी नहीं बताई और मर गई। एक किडनी फेल हो गई। मेरी बीवी की आँखें चली। एम्बिशन ही खत्म हो गया। दूसरी किडनी भी खराब हो रही है। ये एक स्वीट सुसाइड है। अपने लोगों की भलाई के लिए मैं यहां आया था, लेकिन भला कैसे करूं ये समझ नहीं आ रहा था। मेरे दोस्त की मौत ने मुझे हिला कर रख दिया। अब ये साफ हो गया कि करना क्या है।
शुगर की बीमारी में दवाइयां, गोली, इंसुलिन, डायलिसिस, पूरी जिंदगी इन्हीं के सहारे लोगों को जीना पड़ रहा है। वी हैव टू मैनेज एंड लिव विद डायबिटीज। एक ही दवाई से इस बीमारी का इलाज होगा और वो दवाई मैं बनाऊंगा। अपनी पढ़ाई, नॉलेज, टैलेंट सब का इस्तेमाल करके मैं उस दवाई का इजाद करूंगा। मेरे लोगों के लिए और दुनिया के लिए ये मेरी पहली जिम्मेदारी होगी। वेरी गुड सर्वनंद, इस मिट्टी के लाल हो तुम, तुम्हारे इस खोज की पूरी दुनिया में तारीफ होगी। सर्वनंद, तुम्हारा संकल्प और विश्वास तुम्हें जरूर जिताएगा। अरे पीछे घूमो, पीछे घूमो, पीछे घूमो। ओके ओके ओके, अपनी आंखें बंद करो। हाँ बाबा, आंखें बंद कर ली। डोंट लुक एट मी। ओके। क्या मैं देख नहीं सकता? चुप रहो और पहले हुक लगाओ। ओके, ये लो, लगा दिया। अच्छा सुनो, क्या है? मैं सोच रही थी तुम्हें एक छोटी सी बतख चाहिए। नहीं नहीं, कोई जरूरत नहीं, अपने आंगन में पहली बहुत से बतख हैं। अरे यार, अच्छा एक छोटू सा साइंटिस्ट। मैं खुद ही इतना बड़ा साइंटिस्ट हूँ, तो कोई और साइंटिस्ट क्यों चाहिए? ओहो, तुम एकदम बुद्धू हो। हे, मुझे ना एक दो नहीं तीन चार पांच छोटे बतख। अच्छा। और पांच छोटे साइंटिस्ट चाहिए, कुल मिलाकर 10 हो सकते हैं क्या? ये कुछ ज्यादा हो गया। टेस्ट तो अच्छा है, पर है क्या पता नहीं। बॉस, ए, तू यहाँ क्या कर रहा है? बस मैं हूँ आपका ELA। MLA सुना है, ELA क्या है? Assistant to lab assistant। मेरा assistant? मैं तो खुद ही एक assistant हूँ। हाँ बस, मेरे लिए कुछ काम है क्या बस? क्या पढ़ा है? अभी चित्रलेखा पढ़ी है, बाद में मनोहर कहानियाँ। तेरे में CG ज्यादा है। CG का मतलब? C का मतलब चर्बी और G का मतलब समझ गया बस। चलो चल 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 चल। बॉस मुझे कुछ तो काम दो। लेफ्ट साइड के चूहों को 3 टाइम का खाना दे दे। ओके बॉस। राइट साइड के चूहों को 6 टाइम का खाना दो दो। ये दे दे दो दो क्या है? एक को दे दे, दो को दो दो। दे दे दो बोल के हिंदी की सभा भांग गया। मेरा काम तो सिर्फ लोगों को खाना खिलाना है ना? नहीं, चूहा सुसु करेगा, उसे कलेक्ट भी करना है। कौन सा चूहा कब सुसु करेगा मुझे कैसे पता चलेगा? वॉच देख कर, वॉच कर, जब चूहा सुसु करे तो कैच कर। बॉस आप तो एक थॉमस अल्वा एडिशन हो। स्टॉप जोकिंग। शमशान घाट नहीं, केरला बॉर्डर, मार्थंडम। मुझे भी आपकी भाषा आती है। मुझे आपका नाम क्या है? फटेला चड्डी। कृष्णा कुट्टी। यहाँ मुझे कम्फर्ट नहीं है, आप मेरे रूम में आइए ना, वहीं बात करेंगे, मुझे आपसे कुछ काम है। चलिए मिलते हैं। बाय। चलो मिलते हैं। ये सड़ेली कचौड़ी, तेरा थोबड़ा दिखा। छह, ये क्या है? कबाड़ी क्या पड़ी हुई पुरानी कढ़ाई जैसी शक्ल वाली? तुझे उस लड़की ने कैसे पसंद किया? वो भी मलयाली, मैं भी मलयाली। मैं तुझे इधर ही खाली कर दूंगा, सच सच बता। केरला के एक नंबूदरी ने एक यंत्र दिया था, उसे कमर में बांधा हुआ, सब उसी का कमाल है। मुझे भी वो यंत्र दिलाएगा क्या? हाँ दिलवाऊंगा। उस तांत्रिक का नाम क्या है? नन्नू। कितना गंदा नाम है, आधार कार्ड में जाके नाम बदलने बोलो। बोलना मुझे पसंद नहीं है, बोलना नाम आपको ही। सब गए भाड़ में। अब से मेरा CM पिनरई विजयन, मेरा डायरेक्टर गौतम मेनन, मेरा हीरो मोहनलाल और मेरी हीरोइन नित्या मेनन, नहीं लक्ष्मी मेनन, नहीं सुंदरी मेनन, सुंदरी मेनन, सुंदरी मेनन। अंकल जब देखो ये रिसर्च लैब में ही पड़े रहते हैं, ना खाना ना पीना ना सोना। हाँ डॉक्टर, ना हमें खाने देते हैं और ना हमें सोने देते हैं। सर्वनन इज ऑलवेज लाइक दैट, एक बार जिम्मेदारी ली तो किसी और चीज पर ध्यान नहीं देगा। वी ऑल नो जेनेटिक मॉडिफिकेशन इंजीनियरिंग इसका होम ग्राउंड है, बहुत बढ़िया काम करेगा। यस सर, अपनी चर्बी के टिश्यू में जो PG2 प्रोटीन है उसे मॉडिफाई करके डायबिटीज को कंट्रोल तो कर सकते हैं। डायबिटीज कोई सिंगल जीन तो है नहीं, पॉलीजीन की वजह से थोड़े से कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, पर मुझे विश्वास है आई विल गेट द ब्रेक थ्रू।
यू विल। थैंक यू सर। डायबिटीज पेशेंट्स को पहले दिन में 6 बार खाना खाने के लिए डॉक्टर्स बोलते थे, लेकिन रेगुलर 3 मील डाइट में ही डायबिटीज कंट्रोल करने का पहला पेपर तुमने ही सबमिट किया था, पूरी दुनिया ने माना था। आई एम वेरी प्राउड अबाउट इट। थैंक यू सर। डॉक्टर, ओ माय, दिस इज टेकिंग मी इयर्स बैक। ये गुड़ पारा है ना? हाँ डॉक्टर। मुझे देसी मिठाई पसंद है। जेंटलमैन, आज दुनिया भर में इंसुलिन की सप्लाई ठीक से चल रही है, क्योंकि हमने अपने आप को टेरिटरीज में बांट लिया है और अनुशासित तरीके से बिजनेस कर रहे हैं। पहले एशियन टेरिटरी मेरा ही था, पर चाइना ने उसे मुझसे मांग लिया। अब मेरा दिल बड़ा है तो मैंने मिस्टर चैंग को दे दिया। पिछले सिर्फ वो तुम्हारा ओजी लैबोरेटरी नाइबिशा ते नाइक्राशी। मुद्दा वो नहीं है, मेरे बिजनेस को डाउन करने के लिए मिडिल ईस्ट की टेरिटरी को अलग करने की प्लानिंग चल रही है। मैं उसे कभी बर्दाश्त नहीं करूंगा। You got it? मे этого не допустим. ये एश्योरेंस हमारे लिए काफी है। That's always very cheap. Шутка дня. Он изобретает лекарство от диабета? Вы гляньте на это. Слышь, Виджи, он из твоей страны. Аны до усе. बात करके देखेंगे, नहीं तो हमें जो करना है वो कर देंगे। हे, कम बैक, कम बैक। साइंटिस्ट सर्वनन, इस आदमी की वजह से मुझे बिजनेस में बहुत नुकसान हुआ है। एंटीबायोटिक रिक्वायरमेंट टेस्ट इसलिए किया जाता है कि एक पेशेंट को कितनी मात्रा में एंटीबायोटिक चाहिए उसका सही पता चल जाए, जिससे एंटीबायोटिक के कंजप्शन का सही पता चल जाता है। वो जो लैबोरेटरीज में तैयार हुए एंटीबायोटिक मेडिसिन के हजारों टन बर्बाद हो गए, जिसकी वजह से हमें $6,000 मिलियन का नुकसान हुआ। शुक्र है इंसुलिन की वजह से आज वो जो फिर से अपने पैरों पर खड़ा हो पाया है, लेकिन सर्वनन की वजह से हम ज्यादा देर इस धंधे में टिक नहीं पाएंगे। डॉक्टर, डॉक्टर, लैब से रिपोर्ट आई है, सब पॉजिटिव है। सर, ये रिपोर्ट भी वैसे ही आई है। सर, ये रिपोर्ट भी पॉजिटिव आई है। सर, सर, ये रिपोर्ट भी कंसिस्टेंट है। ये साधारण आदमी नहीं है, सर्वनन द मोस्ट डेंजरस साइंटिस्ट। हमारी मेहनत बेकार नहीं गई। अब से इस पर अच्छी तरह नजर रखो, समझे? समझे कि नहीं? दवाई काम करने लगी है। स्टेज वन सक्सेस। यस, यस। बोलो गोपी। सर्वनन के लैब से न्यूज आई है चीफ, उनके डायबिटिक रिसर्च में एक ब्रेक थ्रू मिला है, उनका एनिमल टेस्ट सक्सेसफुल हो गया। उसका भाई पुष्कर तुम्हारा क्लासमेट है ना, उससे मिलो और हाय बोल कर आओ। हाय पुष्कर, माय स्वीट इडियट। क्या बात है, इतनी दूर आ गए तुम? यार, तुम्हारे भाई के लिए आना पड़ा। कुछ समझ में नहीं आया। उसका रिसर्च कुछ लोगों को पसंद नहीं है, उसको तुरंत बंद कर दो, रोक दो। बेकार में उनसे क्यों दुश्मनी मोल ले रहे हो? मजाक कर रहे हो क्या? ये रिसर्च दुनिया की सबसे बड़ी अचीवमेंट होगी। तुमको सफलता प्यारी है या अपनी जान प्यारी है? सर्वनन, क्या हो रहा है? क्या रे, धमकी देने आया है? मुझ पे गुस्सा करने से क्या होगा? इसके पीछे कितना बड़ा मेडिकल माफिया है ये पता है तुम्हें? इस धंधे में करोड़ों रुपए लगे हैं, अगर उनका नुकसान हुआ तो तुम्हें छोड़ेंगे क्या? इसमें पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस भी है। मेरा काम था समझाना, बाकी तुम्हारी मर्जी। ए गोपी, जिसने तुझे भेजा है उससे बोलना, मेरे भाई के साथ बहुत लोग हैं जो उसके लिए जान दे सकते हैं और जान ले भी सकते हैं। तुम लोग जो चाहे कर लो, मेरा भाई ये रिसर्च पूरी करके ही रहेगा। जिस तरह दोस्त बनकर आए थे उसी तरह वापस चले जाओ। जाओ। कूल कूल कूल, तुम्हारी किस्मत ही खराब है। हाँ।
विरोध तो होने वाला था लेकिन मारपीट का अनुमान बिल्कुल भी नहीं था। कॉलेज के किसी भी सीसीटीवी कैमरा में रिकॉर्ड नहीं हुआ। बहुत प्लानिंग के साथ किया है। मुझे पता था मेरी रिसर्च कुछ लोगों को पसंद नहीं आएगी, लेकिन वो इतना घटिया काम करेंगे ये सोचा नहीं था, इसलिए मैंने इस प्रोजेक्ट के बारे में किसी को नहीं बताया। पर देसिकन सर ने इंटरनेशनल मीडिया में सब बता दिया। ये उसी का रिएक्शन है। अब कोई रास्ता नहीं है, हमें फेस करना ही पड़ेगा पापा। एक बार फेस्टिवल हो जाए उसके बाद मैं दिल्ली में बात करता हूँ। खर्चे की चिंता मत करो, लेकिन इस बार मंदिर का उत्सव धूमधाम से होना चाहिए। अरे इस बार तो सरवनन भी है, धूमधाम से होना चाहिए। हाँ, भगवान की आराधना से लोगों को खुशी मिलती है। इस बार सब कुछ आप लोगों की इच्छा के अनुसार ही होगा। भैया भैया अपने गांव की गोरी तैयार हो क्या? अरे देखो कितना प्यारा मेमना है, मुझे चाहिए। ड्राइवर गाड़ी रुको। तो तुम्हें वो मेमना चाहिए ना? ठीक है तुम यहीं रुको, मैं अभी पकड़ के लाता हूँ। अरे रुक जा, अरे रुक, अरे मेमने कहाँ जा रहा है? अरे कहाँ भाग रहा है? अरे डॉक्टर साहब, आप घर पर जाके बिरयानी खाइए, ये पकड़ना मारना काटना ये सब हमारा काम है। आप छोड़िए ना, आप जाकर गाड़ी में बैठिए, हम पकड़ के लाते हैं। सीता जी ने स्वर्ण हिरन मांगा था, मेरे तुलसी ने मेमना मांगा है, तो चलो पकड़ते हैं। पकड़ लिया। तुलसी इज वेटिंग इन द कार, लेट्स गो। अरे बच्चों यहाँ देख, ये कार कहाँ जा रही है? क्या हो गया? क्या हो गया भैया? चंद्रपुरम के बम विस्फोट में साइंटिस्ट सरवनन की गर्भवती पत्नी घटना स्थल पर ही जलकर राख हो गई। पुलिस स्पेशल टास्क फोर्स बनाकर इस घटना की तहकीकात कर रही है। सबूत के आधार पर कुछ लोगों को गिरफ्तार किया। पकड़ो, 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 यहाँ, यहाँ।
क्या कर रहे हो आप लोग? चाचा जी, अब चाची वापस नहीं आएगी क्या? मैंने बच्चे के लिए टेडी बेयर खरीद के रखा है। भाई साहब, ये क्या कर रहे हैं आप? चाचा जी बैग दीजिए। आप लोगों ने मेरे लिए जो कुछ भी किया उसके लिए मैं बहुत शुक्रगुजार हूं। मुझे प्रभु का खेल समझ में ही नहीं आया, मुझे पता ही नहीं चला। मेरी बेटी तो चली गई, अगर मैं इस घर में रहूंगा तो लोग गलत समझेंगे। मैं जा रहा हूं। किधर जाओगे? कहीं भी जाऊंगा। बालिया, बचपन से तू भी तो इसी घर का लड़का है ना? मत जाइए ना। मेहरबानी करके मुझे मत रोकिए। जितना इस घर में रहूंगा उतनी ही मुझे मेरी बेटी की याद आएगी। आप लोगों का मैं कैसे शुक्रिया अदा करूं? तुलसी से जब से मैंने शादी की तब से मैंने आपको अपना पिता माना, लेकिन लगता है आप मुझे अपना नहीं मानते। अगर आप वाकई मुझे अपना बेटा मानते हैं तो अंदर जाइए पापा। हे प्रभु, मेरे बेटे, मेरे लाल, हमारे साथ बहुत बुरा हुआ। चल, अंदर चल। तू इतना क्यों फील कर रहा है? दादी, कुछ ऐसे भी लोग हैं जो इस उम्र में भी शान से रह रहे हैं, और एक वो बेचारा सीधा आदमी, अगर सर्वनन नहीं रोकता तो वो आज घर छोड़कर चला जाता। आओ सर्वनन। पापा, मैं कुछ दिनों के लिए बाहर जाना चाहता हूं। यहां मुझे हर जगह तुलसी की याद सताती है। आई नीड सम चेंज पापा। मैं समझ सकता हूं, तुम जाके आ जाओ। ठीक है सर्वनन, वक्त सब ठीक कर देगा। की लीला देखो, स्क्रीन प्ले उल्टा हो गया है। दारू पीते समय बर्फ नहीं मिलती और यहाँ बर्फ ही बर्फ है लेकिन दारू नहीं है। मुझे दारू पीने से क्यों रोका जा रहा है? जिस काम के लिए आए हैं वो खत्म नहीं हुआ। काम खत्म नहीं हुआ? अरे रे, मुझे सही सलामत गांव भेज देना, मुझे ताबूत में मत भेजना। मैं तेरी बात समझा नहीं भाई। हम इसे ढूंढने आए हैं। ये कौन है? इसका नाम है मुन्ना। He is a professional killer. इंटरनेशनल लेवल पर यह किसी को भी उठा सकता है और अभी ये इसी जगह पर है। साइंटिस्ट और गैंगस्टर में क्या संबंध है? तुलसी की मौत के पीछे इसी का हाथ है। Yes, मुन्ना। I have a good news for you, Vijay. तुम न्यूज बताओ, गुड है या बैड मैं बताऊंगा। जिस साइंटिस्ट को हम ढूंढ रहे हैं वो हमें ढूंढते हुए यहाँ आ गया है। आज मैं उसकी राख नदी में बहा दूंगा। यू मीन सर्वनन? Yes, साइंटिस्ट सर्वनन की मौत। ये कल की ब्रेकिंग न्यूज रहेगी। This I promise you, Vijay. पक्की खबर होनी चाहिए, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो तेरी फोटो को चौराहे पर रखकर तुझे श्रद्धांजलि दे दूंगा। अरे मुन्ना, आज मैं जाता हूँ, साइंटिस्ट का काम तमाम कर दूंगा। सर्वनन, तुम आगे चलो, मैं पूजा का सामान लेके आता हूँ। मेरी प्यारी, तुम्हें हिंदी आती है? थोड़ी थोड़ी। ये लड़की हिंदी जानती है? इससे हिंदी का कोई अच्छा दोहा सुनाता हूँ और कश्मीरी एप्पल को पटा लेता हूँ। एक बात बताओ, खुद सेब का बगीचा सेब बेच रही है, ऐसा कैसे हो सकता है? तेरी माँ की थोड़ी हिंदी जान के भी ऐसी गाली। हेलो सर, मैं IBIBI बैंक से बोल रहा हूँ। ये तो वही आवाज है, कहाँ है मैं? हाँ सर, कार्ड के ऊपर एक 16 डिजिट का नंबर लिखा होगा। एक एक करके वो सारे नंबर मुझे बोलिए और साथ में एक्सपायरी डेट भी बता दीजिए। तेरी एक्सपायरी डेट मैं बताता हूँ। आप कौन है भाई साहब? तुम मुझे नहीं जानता?
तू फोन पे फ्रॉड करता है ना? आधा इंडिया तुझे ढूंढ रहा है और साथ में मैं भी। इतने सारे फोन क्यों हैं तेरे पास? सर मैं कस्टमर केयर हूँ सर। भिखारी कहीं के, तूने जो मेरे अकाउंट से 1.5 लाख निकाला उसे तो मैं माफ कर दूंगा, लेकिन जो तूने मुहावरा बोला था ना, तेरे आंगन में नाचूंगा टेढ़ा, नाच ना जाने आंगन टेढ़ा, तेरे मुहावरे में मेरा आंगन कैसे आया? अगर आंगन पसंद नहीं है तो कंगन डाल लो। कंगन तेरी तो, तुझे तो हथकड़ी पहनाऊंगा। तंगू, सरवनन क्या कर रहा है? मेरे क्रेडिट कार्ड से 1.5 लाख चुराने वाला फ्रॉड यही है, यही है। रुक जा, इसे क्यों पीट रहा है? धोखा तूने खाया। अबे मनहूस थोबड़े, आज के बाद किसी के साथ धोखा नहीं करेगा तू। मेरा बचपन से ही ऐसा थोबड़ा है। साहब आप इसे लेकर यहाँ से जाओ। किधर? हमारे गैंग को पता चल गया तो ये मर जाएगा, समझा क्या? गैंग, इसको जानते हो? मुन्ना, गन्ना, मुन्ना। अरे भैया आओ आओ, मुन्ना के लिए आया है क्या? मुन्ना, मुन्ना, मुन्ना नहीं है, मुन्ना मुन्ना के लिए आया है। पागल। मारो इसे। मुन्ना, इधर है मुन्ना? मैं इधर हूं। Thank you.
किसके लिए काम कर रहा है? बता दो। बोलो मुन्ना। वो कोई साधारण आदमी नहीं है विजय, पिटने के बाद भी वापस आ रहा है। शिट। वाह रे वाह, चाय तैयार है। इस ठंड में चाय के बिना काम ही नहीं चलता। दे 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 दे। नहीं, ला दे। फर्स्ट कस्टमर के लिए। फर्स्ट कस्टमर? ये क्या है भाई, यहाँ दो हैंडसम जवान लोग खड़े हैं और वो उस बुड्ढे के लिए चाय लेके जा रहा है। ओह माय गॉड, सर्वनंद सर, यकीन ही नहीं हो रहा, द वर्ल्ड फेमस ग्रेट साइंटिस्ट मनाली में चाय की टपरी पर, ये आप ही हैं क्या? सर, आई एम मधुमिता, मैं एक माइक्रोबायोलॉजी स्टूडेंट हूँ फ्रॉम आईआईटी कानपुर। आप चेन्नई आईआईटी से है ना? Yes. मैंने आपके सारे इंटरव्यूज देखे हैं। आई एम अ ह्यूज फैन, यू आर अमेजिंग। आपकी स्पीच, आपकी रिसर्च, वाओ सर। मैं भी डीएनए मॉडिफिकेशन पर रिसर्च कर रही हूँ। यू आर माय मेंटर सर, मन से गुरु माना है। सो एक्साइटेड। माते, आप दो ग्लास पीकर जोश में बात कर रही, हम अभी तक एक ही में अटके पड़े हैं। आप हाथ छोड़ेंगी तो ये भी चाय पी लेंगे। आई एम सो सॉरी सर, आपके साथ एक सेल्फी ले सकती हूँ? आई गेट माय फोन। सर्वनंद, हमारे यहाँ बीमारी से मरने वालों से ज्यादा लोग सेल्फी लेते वक्त मरे हैं, समझ गए ना? स्केप मीता सर, सरप्राइज अगेन, इफ यू डोंट माइंड, क्या मैं आप लोगों को ज्वाइन कर सकती हूं? पूछोगी तो भी बैठोगी, नहीं पूछोगी तो भी बैठोगी, पसंद नहीं है तो भी बैठोगी, पसंद है तो भी बैठोगी, आई एम राइट? सर, ईटिंग फिलॉसफी के बारे में मैंने एक बुक में पढ़ा था, फर्स्ट लुक एट योर फूड, आंखों से देखो। इतनी देर में तो खाना ठंडा हो जाएगा। देन है ना, स्मेल इट, कुत्ते की तरह जोर से हंसना चाहिए, खुलकर बातें करनी चाहिए, आंखों से आंखें मिलानी चाहिए, एंड सो ऑन। मेरी एक प्रॉब्लम है सर। एक प्रॉब्लम नहीं है, आपके पास तो ट्रक भर के प्रॉब्लम है, बोलो माते। मुझे जो पसंद है उसके बारे में मैं सबको बताती हूँ, जो ना पसंद है उसके बारे में भी। सर, 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 आपका मूड कुछ ठीक नहीं लग रहा, तो बात कीजिए, दिल खोलकर हंसिए, तब जाकर मन हल्का होगा। स्टॉप इट, मुझे जाने दो। सर, आप मुझे अवॉइड कर रहे हैं। लुक, You're crossing your limits. मुझे एडवाइस मत दो। दिल खोलकर बात करने से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती। This is my personal trip. I need my privacy. Don't disturb me. Get lost. तुमने तो प्यार से बात की, पर वो गुस्से से चला गया। तुम परेशान मत हो। वैसे वो इतना गुस्से वाला आदमी है नहीं। कुछ दिन बीत जाने दो, वो आदमी तुमको बदला हुआ दिखेगा। अभी उसके दिल में जख्म है। मुझे पता है उन्होंने क्या खोया है। पूरा यकीन है कि वो यही कहीं है, बस हमें उसे ढूंढना पड़ेगा। कैच, बॉल इधर दे। हे मुन्ना, मुन्ना, किसने भेजा था? चाहे तो कुछ भी कर ले, मैं अपनी ज़बान नहीं खोलने वाला। अबे, टेस्ट ट्यूब से खेलने वाला छोटा मोटा साइंटिस्ट समझा है क्या? ये बोलेगा, जरूर बोलेगा। चलो। Oh!
किसी भी सिचुएशन में अपना बैलेंस नहीं खोना चाहिए, ये एक बुद्धिमान आदमी का लक्षण नहीं है। इस तरह भावुक होना, बदले की भावना रखना, ये आम आदमी करते हैं। तुम जिससे बदला लेने आए थे वो आदमी तो मर चुका है, अब तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए। सर, मुन्ना तो सिर्फ एक मोहरा था, खेलने वाला खिलाड़ी कोई और ही है, हमें उस आदमी का पता लगाना होगा। पता करके क्या मिलेगा? इट्स अ वेरी बिग नेटवर्क, इंटरनेशनल मेडिकल माफिया, एक के पीछे एक बहुत बड़ी चेन है। किससे बदला लोगे, किस किस को मारोगे, ये किसी साधारण आदमी के बस की बात नहीं है। अवतार लेना पड़ेगा। लूंगा सर, अवतार लूंगा, और उस अवतार में मेरा दिमाग ही मेरा हथियार होगा। मेरे रिसर्च की जीत ही मेरे दुश्मनों के लिए सबसे बड़ी सजा होगी। गुड सर विनन, मैं भी तुमसे यही उम्मीद करता हूँ। दैट्स द स्पिरिट। तुम्हारे लिए एक मॉडर्न लैब चेन्नई में तैयार है। मैं इस इम्पोर्टेंट रिसर्च में आपकी असिस्टेंट बनना चाहती हूँ, प्लीज प्लीज प्लीज। कॉन्ग्रेचुलेशन सर्वनम, आई विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू। ऐसा लग रहा है कि आपके आने से इस फंक्शन में चार चांद लग गए हैं बॉस। हमारा अगला रिसर्च। गुड मॉर्निंग डॉक्टर। हाय विजय, व्हाट द सरप्राइज। नमस्कार, बधाई। बिन बुलाया मेहमान हूं मैं। अरे इतना बड़ा काम किया है, और धूमधाम होनी चाहिए। इसमें इतनी धूमधाम की क्या जरूरत है, मैं तो एक आम आदमी हूँ। मैंने जो पढ़ाई की है, जो सीखा है, बस वही काम कर रहा हूँ। सोशल वर्क, साइंस, रिसर्च जैसे पब्लिक सर्विस में लग गए तो कहीं ऐसा ना हो कि तुम अपने आप को ही भूल जाओ। मिस्टर विजय, ये तारीफ कर रहे हैं या? वन सेकंड। प्रोवोकेशन भी एक तरह का एनकरेजमेंट है। वैसे किसकी खोज में तुम हिमालय गए थे? जो दुश्मन सामने हैं वो तो दिख जाते हैं, और जो पीछे से वार करते हैं वो भी आज नहीं तो कल हमें दिख ही जाएंगे। ऐसे कायर दुश्मन को सजा देने के लिए हमें उसे ढूंढना तो पड़ेगा ही। भूल जाओ और माफ करो। माफ किया या नहीं, दुश्मन को चोट पहुंचाने के लिए हाथ से मारने की कोई जरूरत नहीं। उसे चोट कैसे पहुंचेगी ये अब मुझे पता चल गया है। इसको तो हम वैज्ञानिक समझ रहे थे, लेकिन ये तो WWF के जैसे पंच मार रहा है। तो तुम मारपीट के लिए तैयार हो या नहीं? इस बार मेरी मार मौत को भी मात देगी। दुश्मन कभी उठ नहीं पाएगा। कौन आ रहा है? साइंटिस्ट प्रोफेसर डॉक्टर वीनू पप्पू, ही इज अ ग्रेट स्कॉलर। बहुत सारे किताबें लिख चुके हैं, काफी रिसर्च भी किया है। वो पूरी दुनिया घूम चुके हैं, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज में लेक्चर दे चुके हैं। मतलब चलती फिरती दारू की दुकान है। मैडम वो आ गए। वेलकम सर, इट्स अ प्लेजर टू हैव यू। थैंक यू, ये मेरे लिए परफेक्ट जोड़ी है। वाह क्या दिख रही है, इसके साथ दुबई में एक गाना होना चाहिए। All white coats, come forward. ये क्या? सब तुरंत आ गए? लगता सब नीट एग्जाम वाले हैं। कुछ तो करना पड़ेगा। My name is Dada, pet name एनिमल सप्लाई डाटा। लुक गर्ल्स, मेरे पास कॉकरोच से लेकर जंगली भैंस तक है, साथ ही सोते हैं केचुए से लेकर अजगर तक। उतना ही नहीं, मच्छर भी मेरे पास हैं, और पांच बुद्धि वाले जीव मेरे पास हैं, बट वन कंडीशन, ये बुद्धिजीवी जानवर और सरकार प्रतिबंधित जानवरों को ये डाटा कंपनी सप्लाई नहीं करेगा। करोड़ रुपया दिया तो? नो, अगर ये कंडीशन मंजूर है तो आपको जो आइटम चाहिए सब गाड़ी में है, तुरंत रिलीज कर दूंगा। क्या बोलती हो प्रिय? मधु, who is this?
वेयर इज डॉक्टर वेणु पप्पू? धोखेबाज, तुम साइंटिस्ट नहीं हो, ये बोलना चाहिए था ना। बोलने ही नहीं दिया, तुम तो मुझे घूरते हुए आ रही थी ना। चलो कैंटीन में बैठते हैं। चलो डाडा, आई लाइक यू। क्यों सर? इस रिसर्च में जितने जरूरी ये लोग हैं, उससे ज्यादा जरूरी तुम और तुम्हारी कंपनी है। आज से तुम भी हमारी टीम का हिस्सा हो। सर मैं तो जेरॉक्स हूँ, आप ही ओरिजिनल हो। अच्छा सर, काम तो करेंगे, पहले पार्टी करेंगे, फुल पार्टी। आज तक मैंने किसी का कत्ल नहीं किया है। हाँ सर, मैं जानवर बेच देता हूँ सर। गलती से टकरा गया सर। इंसल्ट, मेरी एकदम बेइज्जती हो चुकी है। ये असाइनमेंट मेरी सबसे बड़ी गलती है। एक सीनियर साइंटिस्ट से बर्ताव करने का ये तरीका है? नीचे से ऊपर चार मंजिल चढ़कर मेरी जान निकल गई है। सॉरी सर, एक छोटा सा कंफ्यूजन हो गया, आपकी जगह किसी और को रिसीव करके ले आए। प्लीज वेलकम सर। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी सर, ये सारी गलती मेरी है, आप मुझे माफ कर दीजिए प्लीज। सीधे हाथी पकड़ लिया। सर का मूड ठीक हो गया, सब लोग मेंढक को उल्टा करके काट डालिए। रिसर्च इतना इजी नहीं होता है, रिसर्च के लिए कई दिमाग लगाने पड़ते हैं। ये डायबिटीज रिसर्च पपाया को काट कर खाने जितना इजी नहीं है। दिस इज पैनक्रियाज, अग्न्याशय, हमारे पेट के पीछे रहने वाला ये छोटा सा ऑर्गन है। पैनक्रियाज में दो साइड्स होते हैं, एक होता है हेड और दूसरा टेल। एक ही सिक्के के दो पहलू। हेड के साइड में पाचन क्रिया के तत्वों का सेक्रेशन होता है। हमें इसी हेड पर काम करना है, क्योंकि इस साइड में ही हमारे इंसुलिन का भी सेक्रेशन होता है। पैनक्रियाज के ऊपर ये जो धब्बे दिख रहे हैं ना, ये दरअसल सेल्स हैं। ये हॉर्मोन्स का सेक्रेशन करते हैं। इन सेल्स के नाम हैं अल्फा सेल्स, बीटा सेल्स, गामा सेल्स एंड डेल्टा सेल्स। हमारे काम का है बीटा सेल्स। ये बीटा सेल्स ही इंसुलिन का सेक्रेशन करते हैं, और जब इसमें प्रॉब्लम आती है तभी डायबिटीज की शुरुआत होती है। जन्म के 8-10 दिन के बाद ही ये बीटा सेल्स बनते हैं। बच्चे का स्तनपान बंद होने से सेल्स का बढ़ना भी बंद हो जाता है। बच्चे जितने ज्यादा समय तक स्तनपान करेंगे, उनमें डायबिटीज होने की संभावना उतनी ही कम हो जाती है। हमारा रिसर्च है अल्फा सेल्स को बीटा सेल्स में कन्वर्ट करना, रीप्रोग्रामिंग। ये बेसिक चेंज करना ही पड़ेगा। So, जैसे ही बॉडी में बीटा सेल्स इंक्रीज हो जाएं, ज्यादा बीटा सेल्स, ज्यादा इंसुलिन, नो डायबिटीज। That's right. ये क्या कर रहे हो? सॉरी सर, ये चश्मा पहनने की कोशिश कर रहा था। ये लीजिए। गंदा लग रहा है ना? नहीं, बहुत अच्छे लग रहे हो। मैं? हाँ और क्या, रंग और चेहरा ही सुंदरता नहीं होती। अगर तुम्हारा दिल साफ हो तो वही सुंदरता होती है। आप लेजेंड हो सर। प्रोफेसर, देयर इज नो साइड इफेक्ट्स। लैब टेस्ट, एनिमल टेस्ट, हम सब कुछ सक्सेसफुली कंप्लीट कर चुके हैं। ये सुन के बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सर। अब क्या, अगले स्टेज पर चले जाओ? अब हमें ह्यूमन टेस्ट करना पड़ेगा, उसके लिए एक वॉलंटियर चाहिए। सो वी नीड अ क्रॉनिक डायबिटिक पेशेंट, राइट? अब मैं वॉलंटियर ढूंढने कहां जाऊं? एजेंसी ने भी मना कर दिया। रिस्क इतना ज्यादा है कि कोई तैयार ही नहीं हो रहा है। क्या लड़की, क्या बड़बड़ा रही है? डाडा डाडा, एक डायबिटिक पेशेंट वॉलंटियर चाहिए। मैं पक्का पेशेंट लेकर आता हूँ, नहीं मिला तो शुगर पेशेंट बनके मैं खुद लेट जाऊंगा, चलेगा ना? ओके। सर आई शेयर ऑटो में आने वाला डाडा रॉल्स रॉयल में आया है, इसी को जुगाड़ करके पेरू मनी एजेंसी के ओनर है। आई अपना शुगर कम कर लूंगा, फिर बैंकॉक जाऊंगा। अब खड़े होने की ताकत नहीं, बैंकॉक जाऊंगा। अब क्या बोल रही हो भाभी? मैं झूठ थोड़ी ना बोल रही हूँ। अरे ये सब इसके सामने क्यों बोल रही हूँ? हाँ, हम दोनों जाने वाले हैं। ये हमारे वॉलंटियर हैं। हम बाहर जाएंगे ना। हेलो, नमस्ते सर, प्लीज आइए। जाओ जाओ अंदर जाओ, आज से करेला जूस मिलेगा। सर्वनंद सर, मैंने आपके बारे में काफी सुना है। सर ये तो इनकी नम्रता है, उनके नीचे 10,000 लोग काम करते हैं, 400 ब्रांचेस हैं, साथ में शुगर भी है। आपने जो हम पर भरोसा किया है
और जो इज्जत दी है उसके लिए थैंक्स। ह्यूमन टेस्ट के लिए जो भी लोग आते हैं वो थोड़ा सा हिचकिचाते हैं, लेकिन आपने बिना हिचकिचाए पूरे भरोसे के साथ खुद को हमारे हवाले किया। सर, इस भरोसे को मैं कभी टूटने नहीं दूंगा। इस रिसर्च में आपका योगदान बहुत ही इम्पोर्टेंट है। रोज मरमर के ही जीते हैं, आपकी दवाई से ठीक हो जाएंगे तो लाख लाख शुक्रिया। इसके लिए कुछ लीगल फॉर्मेलिटीज हैं। फर्स्ट आपको इस वॉलंटियर फॉर्म और नो ऑब्जेक्शन फॉर्म पर साइन करना है। आप इसे अच्छे से पढ़ लीजिए और साइन कर दीजिए। यस सर। जीजा जी, पहले वकील को दिखाएंगे फिर साइन करके देंगे। आदमी की आंखों से उसकी सच्चाई का पता चल जाता है। मैं तो इन पे भरोसा करके कहीं भी साइन कर सकता हूं। सुपर सर, ये साले को अपने साथ मत रखना, तुम्हारी जिंदगी खत्म कर देगा। थोबड़ा देखा उसका। अब मैं अपने आप को आपके हवाले करता हूं। थैंक यू सो मच। हमारी खोज फॉर्मूला जे हम आपको देने वाले हैं। दीजिए। आज से 15 दिनों में आपकी बॉडी में इंसुलिन का लेवल नॉर्मल हो जाएगा। ठीक है। ऑल द बेस्ट। कंटिन्यू सर, लगाइए। गोलियां हरी पीली रंग बिरंगी गोलियां हैं। बदन में बार बार इंजेक्शन लगा के अब डर निकल गया है। पूरी बॉडी पंक्चर हो गई है। वैसे ये इंजेक्शन अच्छे से लगाती हैं। ये पालक की सब्जी खा खा कर मैं भैंस बन जाऊंगा। ये आपके लिए बैलेंस्ड फूड है सर। अनबैलेंस्ड हो जाऊंगा। आप जल्दी ठीक हो जाएंगे, फिर आप कुछ भी खा सकते हैं। ऐसी ही पॉजिटिव बातें करते रहना, वरना मैं बोर हो जाऊंगा। ये लीजिए आपका पराठा ग्रेवी, खा के तुरंत मर जाओ। अरे मैं तो अपने माँ के पेट से ही पराठा ग्रेवी खाना सीख कर निकला था और तब से लेकर आज तक ऐसा ही टेस्टी खाना खा रहा हूँ। इसीलिए तो शक्कर की बीमारी हो गई। खा ले। कितना अच्छा है। प्याज है, टमाटर है और साथ में मसाला भी है। ओहो कितना जायकेदार है। मेरा पराठा कहाँ है? भैंस खा रहा है। मेरा खा रहा है और बात हो गया तो होने दो ना। अरे पराठा किधर है? मेरा खाना कहाँ गया? खाने दो। इडियट्स, किसने खिलाया इनको? ये लेके आया? मुझे पता नहीं सर, इसने मंगाया था, मैं लेकर आ गया। यहाँ इतना बड़ा रिसर्च चल रहा है और तुम लोग ऐसी लापरवाही कर रहे हो। ये लास्ट वार्निंग है। सॉरी सर। इमीडिएटली ऑक्सीजन लगाओ। ऑक्सीजन प्लीज। और सीपैप रेडी करो। श्योर सर। कॉल द स्पेशलिस्ट राइट नाउ। ओहो, मेरे कमीशन का क्या होगा? शुक्र है अभी भी जिंदा है। ये पेशेंट कोमा में चला गया है। कोमा? इतना सेंसिटिव रिसर्च और इतनी लापरवाही, शेम। हे भगवान। दीदी चलो, दीदी उस डॉक्टर की बैंड बजाते हैं। क्या हुआ मेरे पति को? शेर की तरह घूम रहे थे मेरे जीजा जी, लेकिन तुमने रिसर्च के चक्कर में उन्हें कुछ भी दवा देकर मार डाला। ऐसी बात नहीं है। आंख बंद करके आप में भरोसा किया, क्या किया आपने? मैं उन्हें देखना चाहती हूँ। दवा तो अच्छे से काम कर रही थी। He was showing all signs of progress. हम लोग वैसे ही घबरा गए हैं और तुम अंग्रेजी में बके जा रहे हो। मारो इसे। हमारी दवाई में कोई प्रॉब्लम नहीं है। फेज वन फेज टू बिल्कुल सक्सेसफुल था। एनिमल टेस्ट में भी कोई साइड इफेक्ट नहीं थी। क्या कहा? जानवर की दवाई है क्या? ए चमो चलो, 5,000 करोड़ के मालिक को उल्टा सुलाकर ये ठीक नहीं है वो ठीक नहीं है कमीनी कहेगी। What? शांति रखिए, लोगों की भलाई के लिए कुछ हो रहा है, उसमें थोड़ी दिक्कत आ गई है, मेरा भाई सब ठीक कर देगा, हम पर भरोसा रखिए। काहे का भरोसा? मेरी बहन के मंगलसूत्र का सवाल है। ए, मारो इन्हें। हे, नो 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 नो, अरे मारो मत हमें, हम लोग साइंटिस्ट लोग हैं। अरे आ, 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 आ,
ये दवाई गलत होने का चांस ही नहीं है। सारे टेस्ट में पॉजिटिव रिजल्ट आए थे। आपको कोई समझ ही नहीं पाया। गलती उन लोगों की भी नहीं है, उनका गुस्सा मैं समझ सकता हूँ। अगर उनके मालिक को कुछ हो जाए तो उनका भड़कना तो जायज है। देख कृष्णा, सर ने क्या चौक मारा हुआ कि इतना हंस रही है। अबे मैंने गणित पूछा। सर आप लोग की केमिस्ट्री अच्छा काम कर रही है। कौन सी केमिस्ट्री? सर आप भी साइंटिस्ट, मधु भी साइंटिस्ट, आप दोनों की जोड़ी बहुत बढ़िया लगेगी सर। बेस्ट रहेगी। क्या बकवास कर रहे हो, मधुमिता मेरी असिस्टेंट है, वो यहाँ सिर्फ काम कर रही है और कुछ नहीं। मेरे दिल में तुलसी के अलावा किसी के लिए जगह नहीं है। ये क्या बोल रहे हैं? अगर ऐसी फालतू की बातें करते रहोगे ना तो चूहों की जगह टेबल पर तुम लोगों को सुलाकर तुम्हारा ही ऑपरेशन कर दूंगा। गेट लॉस्ट। लिफ्ट, 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 लिफ्ट चाहिए। आप किधर जा रहे हैं? मैं घर जा रहा हूँ, मुझे घर छोड़ दो। रावण का महीना खत्म हो गया, तुम लोगों को कंबा पिला दूंगा। ए, रोना बंद कर, उतर। मुझे कौन सी जगह पर लाए? इतने लोगों को लेकर आए हो, क्या हमको खाना खिलाने वाले हो? बहुत भूख लगी है। सिर्फ और सिर्फ सांस निकलनी चाहिए, आवाज बिल्कुल नहीं। हम आवाज नहीं निकालेंगे, लेकिन पहले खाना तो खिलाओ। कौन बोला? मुझे भूख नहीं लगी है सर, इसे लगी है सर। मैं कुछ नहीं बोला। नहीं नहीं, इसे मारो, ये मुझे रात भर टॉर्चर कर रहा था। मारो सर। डॉक्टर सर्वनन, आप कुछ बोलना चाहते हैं? इस सिचुएशन में मैं कुछ नहीं बोलना चाहता। बायोप्सी रिपोर्ट अभी तक नहीं आई है। रिपोर्ट से बसंत पेरिमल के कोमा में जाने की वजह का पता चलेगा। भारतीय साइंटिस्ट पूरी दुनिया में मजाक का विषय बन गए हैं। टीवी, मीडिया, सब लोग मिलकर हमारी खिल्ली उड़ा रहे हैं। अगर हम डॉक्टर सर्वनन के रिसर्च को रोकने की घोषणा कर दें तो ये मामला तुरंत शांत हो जाएगा। काउंसिल के इस सजेशन से मैं सहमत नहीं हूँ। पेशेंट की सहमति से, उनकी फैमिली की अनुमति से ही हमने ये ह्यूमन टेस्ट शुरू किया था। सुगर की बीमारी का इलाज करने का लालच देकर आपने धोखा दिया है। नो 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 नो, ऐसे अपमानजनक बातें मत कीजिए। ये एक मेडिकल काउंसिल है। डॉक्टर सर्वनन एक रिनाउंड वर्ल्ड फेमस साइंटिस्ट है। ये काफी इम्पोर्टेंट रिसर्च कर चुके हैं। इनके रिसर्च को बदनाम करने की कोशिश मत कीजिए। आई कैनॉट एक्सेप्ट इट। लीगल प्रोसीजर्स फॉलो कर चुके हैं, ये बैन बैन करके हम अपनी मनमर्जी नहीं कर सकते। ओके डॉक्टर वेणु, बैन नहीं करेंगे, लेकिन रिसर्च को पूरा करने के लिए किसी ह्यूमन टेस्टर को तो तैयार होना पड़ेगा। अब कौन होगा? हम तैयार हैं साहब, हमारे लिए सब कुछ है, हमारा विश्वास है। हजारों लोग उनके रिसर्च के लिए अपना तन बदन तो क्या, जान भी देने के लिए तैयार हैं। जो शरीर और जान साहब के सम्मान के लिए काम ना आए वो बेकार है। अंकल, मैं रेडी हूँ। मैं रेडी हूँ अंकल। इन लोगों ने जो मुझ पर भरोसा किया है, यही मेरी ताकत है। ये भरोसा कभी बेकार नहीं जाएगा। इस देश के कानून का मैं सम्मान करता हूँ और उसके दायरे में ही काम करूंगा। इस रिसर्च की सफलता के बाद मेरी ईमानदारी और सच्चाई सारी दुनिया को पता चल जाएगी। ये मेरे लिए नहीं, लोगों के फायदे के लिए है। इसलिए मेडिकल काउंसिल से मेरी एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि मुझे एक और मौका दिया जाए। रिसर्च को अनुमति देने के लिए मैं सिग्नेचर्स करती रहती हूँ, लेकिन आज आपके रिसर्च को अनुमति देने में मुझे गर्व हो रहा है। हरे कृष्णा। यू विल बी ऑल राइट, डोंट वरी। सी डॉक्टर सरवनन, अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट्स she significantly improved. पेशेंट पे काफी इम्प्रूवमेंट दिख रहा है। अब इनको दिन में सिर्फ दो डोज देने की जरूरत है। खाना खा लो। ये क्या, सिर्फ दो? हाँ, पूरे दिन के लिए दो ही है।
ये देखिए, ये है वसंत पेरुमल का साला, द ब्लैक शीप। हाँ, अब समझा। ब्रो, जीजू का पिछले को बनकर थक गया था। जीजू कब मरता, कब मैं राजा बनता, इसलिए उसको खत्म कर दिया। साइंटिस्ट सर्वनंद शाना बन रहा था, उसकी आंखों में धूल रख दिया। छोटा सा काम था लेकिन उससे खुशी बहुत मिली। एंजॉय करो डॉक्टर। फाइव स्टार होटल में डर लगता है, शौचालय में भी डर लगता है, पूरी सेफ्टी है यहाँ। कंपार्टमेंट बुक है, सिक्योरिटी खड़ी है, आप तो चिकन खाओ बस। क्या देख रहा है, दिखाना। अब तो मैं ही राजा, मैं ही प्रजा। कैसी जगह है, अली बाबा की गुफा है क्या? बाहुबली हमें बचा लो। अरे हम लोग खुद बलि का बकरा है, हमें कौन बचाएगा? हे, क्या हो रहा है, चलो चलो। अरे सुई टूट गई क्या? तोड़ दिया। तू आदमी है या पत्थर? ए, चला। मैडम। हाँ बोलो। सुई क्यों लगाई? जिंदा रहने के लिए। ऐसा क्या? हाँ फिर तो मुझे दो लगा दो। अरे, इसको कैसे सहन करते हैं? इसकी कहानी खत्म। कहानी खत्म? मुझे तो अच्छे घर की लगती हो, इन लोगों के चक्कर में कैसे पड़ गई? देखो कितना प्यारा मेमना है। अरे रुक जा, अरे रुक, अरे मेमने कहाँ जा रहा है? ले बबेन, उठाओ इन्हें, इन्हें हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा। जल्दी हॉस्पिटल ले जाओ। ओह,
है। सर, डीएनए रिपोर्ट चेंज कर दिया है, तुलसी की मौत हुई है। ना दवाई ना गोली और ना ही इंसुलिन की जरूरत है, तुम एकदम ठीक हो चुकी हो। डोंट थैंक मी, थैंक गॉड। हुर्रे! एक इंडियन साइंटिस्ट की शानदार खोज, एक ही दवा से शुगर की बीमारी का खात्मा, मेडिकल फील्ड में एक बहुत बड़ी कामयाबी। सुनो, इमीडिएटली एफडीए में रजिस्टर कर दो, उनका अप्रूवल आते ही पेटेंट कर लेंगे। श्योर सर। कांग्रेचुलेशंस डॉक्टर सर्वनन, इस दिन का तो पूरी दुनिया इंतजार कर रही थी, एम आई राइट? डेफिनेटली। अच्छी, थैंक यू। दुनिया का कोई भी साइंटिस्ट वो नहीं कर पाया जो तुमने कर दिखाया, और तुम हमारे लिए बहुत ही स्पेशल हो। एग्जैक्टली। और आज के बाद से तुम्हारी जिंदगी एक आइलैंड पे गुजरेगी, जहां पे जिंदगी की सारी सहूलियतें होंगी, मतलब किसी राजा की तरह जियोगे तुम। ये काम मैंने अपने नेम, फेम, धन, दौलत या ऐशो आराम के लिए नहीं किया, अपने दिल से, पूरी शिद्दत से ये काम मैंने शुरू किया। भगवान के आशीर्वाद से ये दवा मैं खोज पाया। दवा? पैसा है सर्वनंद, पैसा। छप्पर फाड़ कर नहीं, आसमान फाड़ कर तुम्हारी गोद में गिरने वाला है डॉलर, यूरोस, पाउंड्स, रियाल, दिनार, एटसेट्रा एटसेट्रा। और इस दुनिया के सभी देशों का पैसा हम दोनों की कदमों में होगा, एम आई राइट? ऑफ कोर्स। हमारी कंपनी तो चिरकुट दवाइयों को भी पब्लिक को बेवकूफ बनाकर बेच देती है, अगर ये मिल गई तो सोने के दाम में बेचेंगे, राइट है बॉस? बोलो सर्वनंद, आउटराइट भी ओके, पार्टनरशिप भी ओके, इस दवाई को हम पूरी दुनिया में मार्केट करेंगे। हाँ सर, के बैकग्राउंड के बारे में जानते हो विजय? ही इज बॉर्न विद अ गोल्डन स्पून। पैसों के लिए, आपके ऑफर के लिए वो नहीं झुकेंगे। सॉरी मिस्टर विजय, आपकी सोच अलग है और मेरी सोच अलग है। यहाँ पर लोग शुगर की बीमारी से परेशान हैं, दवाई खरीदने के लिए पैसे नहीं है, तो मेरी दवाई जिंदगी के साथ लड़ने वाले उन गरीबों के काम आनी चाहिए। आफ्टर ऑल उन लोगों का जीवन भी तो स्वस्थ होना चाहिए। उच्च विचार, बड़ा दिल, तेज दिमाग, सर्वनन यू आर रियली ग्रेट, लेकिन इस देश में तुम जैसे लोगों की कोई कदर नहीं है। जिधर भी देखो गंदगी, ट्रैफिक, क्राउड, शोर, और इन सब के बीच में लाखों में एक, करोड़ों में एक कीड़े की तरह जियोगे, सर्वनन इस देश में तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। फिर भी ये मेरा देश है, ये मेरे लोग हैं, और ये सब के सब मेरा परिवार है। उन्हीं के साथ जीने में मुझे खुशी मिलती है। वक्त के साथ साथ यहाँ पर भी सब अच्छा ही होगा। हम दोनों की सोच बहुत अलग है, Am I right? Right, right. हर एक बात पर राइट है, राइट है, राइट है, राइट है, राइट है, पूछ रहे हो ना मिस्टर विजय? आपकी सोच रॉन्ग, आपकी प्लानिंग रॉन्ग, आपकी इच्छा, लालच रॉन्ग, You are totally wrong. सर्वनंद, मैं तुम्हें छोटे भाई की तरह समझा रहा हूँ, तुम्हारे दिल में है क्या ये बता दो। आज से नहीं, मेरी सोच हमेशा से यही थी। अपनी खोज को मैं देश के नाम करने वाला हूँ, गरीब लोगों को मैं ये मुफ्त में देने वाला हूँ। That's my boy. ये है मेरा सर्वनंद। मुझे तुम पर गर्व है। थैंक यू सर। सर्वनन बेशकीमती है, उसको खरीदने की कोशिश की तुमने विजय? यू आर ए फूल। प्यार, मोहब्बत, दोस्ती, रिश्ते, ये सब उसकी दुनिया है। काले नाग ने डस लिया। अब तुम्हारा सब कुछ
हमारे पैरों के नीचे है। सर्वनन, I have grown old. एक छोटे से गांव से आया है, इतनी सी उम्र में इतनी बड़ी सफलता, पूरी दुनिया तुम्हारी वाह वाह कर रही है, लेकिन मुझे तो जीते जी मार डाला। मुझे देखकर तुम्हें दया नहीं आती सर्वनन? मैंने तुम्हें बेटे की तरह गाइड किया है, बदले में मुझे क्या चाहिए? तुम्हारी खोज को मेरे नाम कर दो और फॉर्मूला मुझे दे दो। पूरी दुनिया को यह बात गर्व से बताऊंगा कि इसकी खोज मैंने की है। इतनी सी बात है सर्वनन, मुझे डॉक्टर, गाइड, रिसर्चर जैसे बेकार टाइटल नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं चाहिए। मुझे चाहिए फेम, लॉर्ड्स ऑफ फेम, द ग्रेट कॉन्ट्रीब्यूशन फॉर द मैनकाइंड फ्रॉम द ग्रेट साइंटिस्ट देसी कान। दैट्स ऑल सर्वनन, व्हाट एल्स आई वांट? सर देखिए ना सर, अभी भी आपके लिए मेरी जबान से इज्जत ही निकल रही है। अगर आपने मुझसे पहले ही मांगा होता तो मैं खुशी खुशी आपको दे देता, लेकिन आज मुझे आपकी असलियत का पता चल गया। आपके दिल, दिमाग, रग रग में, पूरे बदन में जहर फैल चुका है। मैंने आपको अपने परिवार का हिस्सा माना, मेरे पिताजी से भी बढ़कर आपको गुरु का स्थान दिया, अपने दिल में रखा, लेकिन आपने मुझसे गद्दारी करके मेरी पीठ पे खंजर मारा। अगर मैं आपको माफ भी कर दूं तो उस अपराध के लिए कल ये दुनिया मुझे ही सजा देगी। आपके जैसे, आप नहीं तेरे जैसे गद्दार की छाया भी मुझ पर पड़े ये तेरी औकात नहीं। जब तक मुझ में जान है तो जैसे जानवर को मैं देखना भी नहीं चाहता। यू आर माई फुट। सर्वनन सर, आप अंदर कैसे? आपको ऐसे देखकर मुझे बहुत दुख हो रहा है। तुम यहाँ कैसे? ये मत पूछिए सर, घर जाने के लिए लिफ्ट मांगी थी तो वो लोग मुझे यहाँ पर लेकर आ गए। क्या कह रहे हो? सर इतना ही नहीं, जो लिफ्ट मांगा, जो नहीं मांगा, जो दिया, जो नहीं दिया, सब लोग इधर ही हैं सर। आइए 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 सर। यहाँ करते क्या है? इलीगल ड्रग टेस्टिंग होती है सर। आइए सर आइए, ब्रेकफास्ट टाइम पर अभी कोई नहीं होगा। आइए सर। इसको नींद में चलने की बीमारी। आइए आइए। सीसीटीवी कैमरा है लेकिन कोई नहीं देखता, सब बैठ के मोबाइल पे रील देखते रहते हैं सर। आइए आइए आप आइए। Ha ha ha!
बेटी सांप को अपने बच्चे से मिलवाओ। हमारा बच्चा वेला यही है, हमारा छोटू साइंटिस्ट। वेला? 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 बच्चे को देखा क्या? वेला? वेला? ए, जाकर ढूंढो ना उसे। सर्वानंद, ये तुम्हारी लैब नहीं है जो बीवी को देखते ही हाथ पकड़कर घर ले जाओगे। ये हमारी लैब है। घुमा फिरा के बात नहीं करूंगा, सीधे पॉइंट पर आता हूं। तुमने डायबिटीज की जो दवाई खोजी है बस वो हमें चाहिए। तुम्हारी इच्छा के अनुसार वो लोगों को मिलेगी, लेकिन उन्हें पैसा देना पड़ेगा। तुम्हारी ये जो दवाई है ना, डायबिटीज का कंप्लीट इलाज कर देती है। आज जो भी मार्केट में डायबिटीज की दवाई बेचते हैं ना, हमारे मार्केट में आने से वो सब कंगाल होकर भाग जाएंगे। दे दीजिए सर, नहीं तो अपनी ओजो कंपनी पहले कंगाल हो जाएगी। ये जे फॉर्मूला का पूरा प्रोडक्शन हमारे मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में ही करेंगे। तैयार की हुई दवाइयाँ हम थोड़ी लेने वाले। अरे सर्वनन के हिसाब से हम लोगों को ही तो देंगे। सिर्फ 50 रुपए में दवाई बनाकर 5,000, 50,000, उतना ही क्यों 5,00,000 में भी बेच देंगे हम, और एक ही दिन में दुनिया के सबसे अमीर आदमी बन जाएंगे। मैंने इस दवाई को बेचने के लिए नहीं बनाया। डायबिटीज से जो लोग लड़ रहे हैं उन्हें ये दवाई मुफ्त में मिलनी चाहिए। क्या भाषण दे रहा है, क्या कहानी सुना रहा है ये आदमी। इसमें मैं किसी भी दलाल को पैसे कमाने की इजाजत नहीं दूंगा। मेरी इस खोज को मैं अपने देश के लोगों के लिए समर्पित करूंगा। तुम किस सिचुएशन में हो ये जानते हो ना सर्वनन? डरपोक, तुम लोग मेरा क्या करोगे? अपने लोगों के लिए, अपने देश के लिए मैं अपनी जान भी दे सकता हूँ। अपनी कमाई दौलत खोने का दर्द आप जैसे अमीर साइंटिस्ट को नहीं पता है सर्वनंद सर। मधु, मधु, ये साइंटिस्ट देश देश बोलकर बिल्कुल देसी डॉक्टर की तरह बातें कर रहा है। मधु, तुम कहो तो इसका अगला ट्रीटमेंट शुरू कर दे। मैडम, बस ऑर्डर दो, कान के नीचे बजाकर इससे फॉर्मूला निकलवा लूंगा। सर्वनंद सर, अब मैं आपको अपनी पूरी कहानी सुनाती हूँ। मेरे डैड की मौत का कारण आप हैं। आज जिस सिचुएशन में मैं हूँ उसका कारण आप हैं। मेरे डैड जो एशिया के नंबर वन फार्मास्यूटिकल किंग थे, उनके एम्पायर की बर्बादी का कारण आप हैं। और मैं ये सब चुपचाप देखती रहूं, उनकी मौत का बदला ना लूं? हाँ, इसका मतलब तुम भी इनके साथ हो मधु। तुम भी नहीं, मैं ही। आपने जिस दिन एंटीबायोटिक रिक्वायरमेंट टेस्ट की खोज की, उस दिन हमारी कंपनी कंगाल हो गई सर्वनन। उसी दिन भैया ने सिखाया था कि बरगद का पेड़ भले ही कट जाए पर जटाएं रह जाती है। मैं हूं ना तेरा चाचा। जब मुझे पता चला कि आप डायबिटीज के इलाज की खोज कर रहे हैं एज अ स्टूडेंट, मुझे ये जानकर बहुत खुशी हुई। लेकिन ओजो लेबोरेटरीज के वारिस होने के नाते बिल्कुल खुशी नहीं हुई। आपकी इस खोज को रोकने के लिए बहुत कोशिश की, लेकिन आप बार बार करते ही चले गए, और तब हमने अपने प्लान को चेंज कर दिया।
अगर आप लोग पैनिक करने लगेंगे तो दिमाग काम नहीं करेगा। फिलहाल इंसुलिन बिजनेस के बारे में सोचना छोड़ दो। सर्वनन को डायबिटीज की दवा बनाने दो, उसे ओजो लेबोरेटरीज ही बेचे तो। सुनने में तो बहुत अच्छा लग रहा है। पर वो तो मार खा के भी वापस आ जाता है। प्लान चेंज होने वाला है। गेम के अंदर मैं आ रही हूँ। बचाना मत, निकालो मुझे। आज ओजो लेबोरेटरीज जिस मकाम पर है उसकी वजह है अंकल विजय और देसी कन अंकल, मेरे डैडी के खास दोस्त। आपके इंटेलिजेंस और टैलेंट से कई बार इम्प्रेस हो चुकी हूँ। इन फैक्ट आई ऑलमोस्ट फेल इन लव विद यू। नॉनसेंस, तुम्हारी कंपनी जो भी कर रही है वो इलीगल है। जान बचाने वाली दवाई को, इस पवित्र इंडस्ट्री को, तुम लोगों ने जान लेने वाली इंडस्ट्री बना दिया। एक इंसान की बीमारी को सबसे पहले तो तुम लोग बढ़ाते हो और फिर उस पर हार्मफुल दवाइयों का ट्रायल करते हो, और उन्हीं को महंगी दवाइयां बेचना तुम्हारा धंधा है, तुम्हारा ख्वाब है, तुम्हारा मकसद है। थू! आज हर गली में डायग्नोस्टिक सेंटर, हर नुक्कड़ पर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, चार दुकानों में से एक दवाई की दुकान। आखिर यह इंसानों की धरती है या रोगियों की धरती? इन सब का कारण है तुम जैसे मेडिकल माफिया। तुम लोग अपनी खुशियों के लिए ना जाने कितने लोगों की जिंदगी बर्बाद कर चुके हो, उनकी मौत के जिम्मेदार तुम हो। Stop it! सर्वनन, छोटा साइंटिस्ट सुंदर लग रहा है। फॉर्मूला हमें दे दो। छोटू साइंटिस्ट को जिंदा रहना है, बड़ा होना है, दूसरी बीमारी के लिए इलाज भी ढूंढना है। विला, विला, विला मेरा वारिस है, शहर का बच्चा है। अब मैं साइंटिस्ट नहीं, एक बाप हूं।
मैं लोगों को कभी मारता नहीं हूं, उन्हें बचाता हूं। जा, तुझे छोड़ दिया। तुम लोगों को कितना टॉर्चर किया है और कितने लोगों को मार डाला है, आओ आके बदला लो। मेरा प्यारा बेटा। हे तुलसी।